नमस्कार आप सभी को, राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम मैराथन क्लास करने वाले हैं, यानी काफ़ी सारी क्लासेस का मिक्सअप करके मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ। इसमें लगभग 300 प्रश्न व्याख्या सहित हल करवा रखे हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो या फिर सेशन के आखिर तक जुड़े रहिएगा। आपके जो आगामी जो परीक्षा है, जैसे RS की परीक्षा है 1 अक्टूबर को, उस एग्ज़ाम के लिए वाकई में यहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये गत परीक्षाओं पर ही आधारित ये मिक्सअप करके मैं आपको दे रहा हूँ। ज़रूर भले ही फास्ट मोड में देखें या जो नॉर्मल मोड में देखें, जैसा आपको ठीक लगे, इस क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला ही सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जैसे अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और राजस्थान 360 के नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन है, राजस्थान 360 के नाम से आपकी अपनी एप्लीकेशन है, ऐप है, उसको इंस्टॉल ज़रूर करें। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, कि बूंदी की अरावली श्रेणियों को कहा जाता है, बूंदी की अरावली श्रेणियों को कहा क्या कहा जाता है? तो याद रखना, आडावाला पर्वत कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नाकोड़ा की बात करें दोस्तों, नाकोड़ा जो है ये बाड़मेर है, मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ किला मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की बात करें दोस्तों, तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर, ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा सवाल है, जिस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, वह जो है ना वह है जैसलमेर दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और सबसे गर्म गांव की बात करें, सबसे शुष्क गांव की बात करें, सम है जैसलमेर का, है ना। अगला सवाल है नंबर 3, कि मिट्टी का वायु जल हिमानी आदि कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने से उपजाऊपन नष्ट होने की समस्या को कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन कहा जाता है ना, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर होगा। एक शानदार सवाल था। मेज नदी के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, मेज नदी के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले से होता है, यस हाँ, यह अंत में लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है। देखो, मेज नदी की बात करें, भीलवाड़ा से इसका उद्गम है, सही बात है दोस्तों, लाखेरी के निकट चंबल में भी मिल जाती है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन 3 या फिर कह लो ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन करना है राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों, तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? देखो, ये परियोजना भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित है ना, 100% सही बात है, यानी राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य 147 स्वचालित वर्षामापी, 112 स्वचालित नदी यानी बांध गेज संयंत्र स्थापित किए गए हैं, सही बात है। इस परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम बीसलपुर बांध पर स्कोडा प्रणाली को स्थापित किया, यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन, है ना। तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। शानदार सवाल था। आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बांस जो है इसे हरा सोना कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और सर्वाधिक बात करें तो उस साइड में ही है, जैसे दक्षिणी राजस्थान में ना। निम्न में से कौन सी फसलों को नगद फसलों की श्रेणी में माना जाता, बताइए। निम्न में से कौन सी फसलों को नगद फसलों की श्रेणी में माना जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास गन्ना रतनजोत, कपास गन्ना रतनजोत, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित शहरों का क्रम जो है ना वो है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर जो है ना वो गंगानगर है, फिर बीकानेर है, फिर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर है, यानी ऑप्शन ए होगा, और यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए, ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है, तो बताइए दोस्तों, ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ग्राम सभा। अब देखो, ग्राम सभा है पहली, तो दूसरी ग्राम पंचायत समिति है, और तीसरा जिला परिषद है ना, इससे ही तो कहा गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज, है ना, व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था,
ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल है आपका। और अगला सवाल है, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है, यानी कि मिश्रित प्रजाति ऐसे कहा जा रहा है। तो याद रखना सिंधी और साहीवाल। दोस्तों देखो सवाल कितना शानदार है, सिंधी साही है ना, सिंधी या सिंध कह लो, सिंध और साहीवाल दोनों की मिश्रित नस्ल कौन सी है, वह राठी। और राजस्थान के राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, राठी को कहा जाता है। DPAP यानी ड्रॉ है ना प्रॉन एरिया प्रोग्राम कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है बताइए। तो हम क्या पढ़ेंगे, ड्राउट प्रॉन एरिया प्रोग्राम कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है जहाँ पर वर्षा की कमी रहती है दोस्तों। तो वह है ऑप्शन ए, 10 जिलों में चलता है ये कार्यक्रम। राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है, माही है, चंबल है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, बीसलपुर। देखो विद्युत की बात करें ना तो सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है वो चंबल नदी है, इनमें से प्रमुख जो है, जो पॉपुलर है ना, जो महत्वपूर्ण है। तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे है ना, चंबल परियोजनाओं पर। देखो धौलपुर में भी बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में भी बना हुआ है ना, कोटा में भी है, तो काफ़ी जगह। बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों से संबंधित कौन सा कार्यक्रम नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम नहीं है, कंदरा सुधार है। देखो बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों से संबंधित ये है कंदरा सुधार, अरावली विकास कार्यक्रम है, राष्ट्रीय मरुद्यान कार्यक्रम है, जल संग्रहण विकास कार्यक्रम भी है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र ये नहीं है। ऑप्शन डी लॉक होगा। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, करिए साहब। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, गुरु से दिल है ना, गुरु से दिल जरा ऊंचा रखो, मैंने आपको कई बार बताया गुरु से दिल जरा ऊंचा रखो, यानी गुरु शिखर पहले तो है ना, पहले गुरु शिखर, गुरु शुक्र ऑप्शन में नहीं है, चले उसके बाद शहर है तो शहर भी ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद दिलवाड़ा है तो दिलवाड़ा भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़ है, जरगा है यहाँ पे, अचलगढ़ यहाँ पे है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। तो ऑप्शन ए को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लॉक कर देंगे। जरगा है जो 1431 है, ठीक है, अचलगढ़ है 1380 है, कुंभलगढ़ है, और फिर रघुनाथगढ़ है जो 1051। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, बेहतरीन शानदार सवाल था। अगला सवाल है, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ सुमेलित करना, सही कूट का चयन करना है, और करो साहब क्या होगा राइट आंसर। वागड़ का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं क्या, नहीं सर, वागड़ का पूछा है ना तो फिर भोगीलाल पांडे को कहेंगे। राजस्थान का लौह पुरुष जो है दामोदर दास व्यास को कहा गया, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा गया, किसान आंदोलन का नेता या जनक विजय सिंह पथी को कहा गया। तो पहले में आएगा 4, दूसरे में आएगा 3 है ना, मैंने आपको क्या बताया, पहले वही करे जो आपको आ रहे हो है ना, चौथे में आएगा आपके, तीसरे में आएगा 2 और चौथे में आएगा 1, यानी 1 2 3 4 उल्टा गिनना, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे 15 में भी। यस नो यस सर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से सुमेलित करना है। यहाँ पर इस प्रकार के सवालों में हम कन्फ्यूज हो ही जाते हैं क्योंकि वर्ष दे रखे हैं और वर्षों में बिल्कुल है ही है, स्वाभाविक है। यस नो बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा करें, देखो राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो 1919, सही बात है 1919 है ना, क्योंकि 1920 में इसको अजमेर में स्थापित किया था, ये वर्धा में हुआ था उस समय। तो यहाँ पे तो पहले में तो 4 आएगा ही आएगा, ठीक है कन्फर्म, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद में मारवाड़ हितकारिणी सभा की बात करें तो दोस्तों 1923 है तो 3 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, चलो ठीक है भाई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बात करी जाती है तो 2 आएगा दोस्तों, क्या बात है, 2 2 1927, ठीक है, और उसके बाद 1 रह जाता है नरेंद्र मंडल 1921। तो यहाँ पे दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, करेक्ट है, यस। तो ऑप्शन ऐसे ही दे दिए, कोई बात नहीं। अगला सवाल है, खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है बताइए दोस्तों, ये एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है। तो खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है, टोंक और भीलवाड़ा में खेराड़ी बोली प्रचलित है, जयपुर दौसा में ढूंढाड़ी है दोस्तों, ठीक है। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, मूणोत नैणसी की री ख्यात के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन क्या है। देखो साहब ये मारवाड़ी और डिंगल भाषा में लिखी गई है, क्या ये सत्य बात है, यस सर।
नैन्सी ने इसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है, ठीक है। इसमें तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख, चाकरी, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधनों का वर्णन किया गया है, और इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। तो देखो साहब, यहाँ पे हम लोग यूँ कहें, उपरोक्त सभी को ही लॉक करेंगे हम लोग, यानी ऑप्शन डी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। एक बहुत ही शानदार सा सवाल था। अगला सवाल है कि वृहत राजस्थान में विलय होने से संयुक्त वृहत राजस्थान नामकरण हुआ। किस प्रदेश के वृहत राजस्थान में विलय होने से संयुक्त वृहत राजस्थान नामकरण हुआ? देखो, किस प्रदेश के, जोधपुर जयपुर तो दोनों साथ ही थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर उदयपुर को लॉक कर दें या मत्स्य संघ को लॉक कर दें, या क्योंकि ये दोनों तो साथ ही थे, इन दोनों के मिलने से तो राजस्थान संघ बना था, तो यहाँ पे मत्स्य हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। और मत्स्य की बात करें दोस्तों, सबसे पहले जो हुआ था मत्स्य संघ। अगला सवाल है कि छोटी तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, बताइए। छोटी तीज का त्यौहार श्रावण महीने की मास में मनाया जाता है। और अगला सवाल, श्रावण शुक्ल तृतीया को। अगला सवाल निम्न में से सुमेलित करना है, और बड़ा शानदार सवाल है। देखो साहब, क्या ही होगा इसका राइट आंसर, बताओ। देखो, कुरजा कागा केसरिया बालम झोरावा, ये गीत है, और ये गीत की विशेषताएं बताएं, या फिर इस इसका वर्णन, या इसका आयोजन कब होता है ना। चलो, कुरजा प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी की याद में कोवे को संदेश देकर प्रेमी को बुलाने हेतु गाया जाने वाला गीत, ये कागा होगा दोस्तों, ठीक है। अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यथित स्त्री का वर्णन, ठीक है। विरहणियों जो आए ना वही करें, विरहणियों द्वारा अपने प्रेमी को कुर्जा पक्षी द्वारा संदेश भेजते हुए गाया जाने वाला गीत, एलो साहब कुर्जा। दो आ गए आपको, यानी बी में तो आपको एक करना है, बी में यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे भी है, और ए में आपको तीन करना है, ए में आप तीन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलो, अभी काम बना नहीं है। पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत, और जोरावा अपने प्रेमी की प्रत्यक्ष व्यवस्थित स्त्री। अब देखो, यहाँ पे हम बात करें ना दोस्तों, तो दोनों में अपन कन्फ्यूज है कि नहीं, बहुत सारे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऐसे होगा, देखो, सी केसरिया बालम। केसरिया बालम अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यवस्थित स्त्री का वर्णन जो होता है वो केसरिया बालम गीत गाती है। और जोरावे की जब बात करें तो जोरावे में क्या होता है, पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत जो है वो जोरावे। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगला सवाल देखो, केसरिया बालम किस शैली का गीत है? अभी अभी हमने बात करी केसरिया बालम के बारे में, और शैली भी पूछी जा रही है, तो मांड गायिका है, मतलब मांड शैली में ये गीत गाया जाता है केसरिया बालम, और सबसे पहले अल्लाह जिलाई भाई ने गाया था वैसे ये, ठीक है। चार बैत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है, बताइए। आप कहेंगे सर टोंक की है, चार बैत कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बैत टोंक की प्रसिद्ध, याद रखना मेरे दोस्त। अगला सवाल देखो, किस कलाकार ने गोपी चंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था, बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वासुदेव भट्ट ने किया था, यानी ऑप्शन बी आपको लॉक करेंगे, आप इनको लॉक करेंगे। निम्न में से भीलों का नृत्य नहीं है, बताइए। निम्न में से भीलों का नृत्य नहीं है, बताना है आपको। ऑप्शन डी बांगड़िया, देखो भीलों का नहीं है, गैर भीलों का है, नेजा भी है, गौरी भी है, युद्ध भी है ना, और महामना भी है, लेकिन यहाँ पे वागड़िया जो है ना, ये किसकी है, जैसे वागड़िया है, शंकरिया है ना, इंद्रोणी है, वाह, ये जो है ना, ये किसके हैं, ये कालबेलियाओं के नृत्य है। क्लास में मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? सीधी सी बात करें तो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग कौन करता है, कौन सी पहाड़ियाँ करती है? तो आप कहेंगे सर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ करती है, जो मेरवाड़ा कहाँ पे पड़ता है, अजमेर में पड़ता है मेरवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है जो सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मारवाड़ के मैदान, और यहाँ पे क्या है, मेवाड़ के उच्च पठार, दोनों को अलग करती है मेवरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है, 1000 मिली बार की सम दाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, और राइट आंसर की उम्मीद सभी से करूँगा, कहाँ से गुजरती है? आप कहेंगे सर सिरोही और उदयपुर तो है ही है, अच्छा सिरोही और उदयपुर जहाँ पर भी ऑप्शन नंबर में है, साथ में है, वहाँ पर आप करेक्ट करके आगे बढ़ जाओ। सिरोही और उदयपुर यहाँ पे साथ में है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है सिरोही अकेला, यहाँ पर भी उदयपुर अकेला है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए आपका सही होगा। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से 1000 मिली बार की सम दाब रेखा जुलाई माह में यहाँ से गुजरती है। और नेक्स्ट सवाल, एक रेंगता हुआ सवाल आपकी स्क्रीन पर, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु
कहा गया है। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है किसे? मृदा अपरदन को, असर मृदा को, सेम समस्या को, भू अवक्रमण को। तो ऑप्शन ए को लॉक करें, कोई क्षति नहीं होगी आपको। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। खंड विकास अधिकारी कौन है? यानी BDO है ना, खंड विकास अधिकारी, यही ना। यस, तो इसे पंचायत समिति का सचिव भी कह सकते हैं, विकास कार्यक्रमों का प्रबंधक भी कह सकते हैं, पंचायत समिति कार्यालय का प्रभारी भी कह सकते हैं। तो खंड विकास अधिकारी उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदियाँ हैं? देखो, भेड़च, खारी, धुंद, कोठारी, बांडी, मोरेल, छः नदियाँ दे रखी है। छः में से बनास की सहायक नदियाँ कौन सी है? दोस्तों एक तो देखो, आपको पहले वो छांटना है जो आपको पता हो, यानी जो आपको क्लियरली एकदम से पता हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी। कैसे? बेड़स भी है, खारी भी है, कोठारी भी है, बांडी भी है, मोरेल भी है, धुंध भी है। तो ऑप्शन डी को आपने लॉक कर दिया, तो सारा का सर सही ही होगा। अगला सवाल है, राज्य के 27 जिलों की 136 सिंचाई परियोजना पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए राजस्थान जल क्षेत्रीय आजीविका सुधार परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है, अवधि 8 वर्ष है। वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसके द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है, वो आपको बताना है। बोले सर, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, यानी जाइका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ठीक है, ए जे ई या इंटरनेशनल आई, सॉरी सी ए, जाइका हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, हर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। राज्य में कथा उत्पादित जिलों का समूह कौन सा है, बताइए। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, ये कथा उत्पादित जिलों का समूह है। और अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो वो है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, जो कि सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो, जहाँ पे हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे जिले इसमें शामिल है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस अभयारण्य को चीतल की मातृभूमि कहा जाता है? चीतल की मातृभूमि कहा जाता है सीता माता अभयारण्य को, जितने भेंडल भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है दूसरे नाम में, स्थानीय भाषा में वहाँ पे भेंडल कहा जाता है। यही जो है, यही चीतल की जो भूमि है, इसे उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। और ये है कहाँ पे? अब आपको पता होना चाहिए, मुख्य रूप से प्रतापगढ़ में है ही है, ठीक है, प्रतापगढ़ है, और चित्तौड़गढ़ में भी ये फैला हुआ है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में भी है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? इनमें से कौन सी प्रजाति जो है, मेवाती नहीं होगा और राठी भी नहीं होगा। बोले सर, थार पारकर ये भी नहीं होगा, है ना, कांकरेज हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, ठीक है, जो कि गुजरात के समीप जिले हैं, याद रखने योग्य बात है। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है, बताइए? कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम लिया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो होगा जिप्सम। जिप्सम को लॉक करेंगे, और जिप्सम जो है हमारे मुख्य रूप से बीकानेर, है ना, जैसलमेर और नागौर और गंगानगर, इन जिलों में जो है मुख्य रूप से इसका उत्पादन होता है, या फिर जिप्सम निकाला जाता है, जिप्सम के भंडार देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। अगला सवाल है, राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्या से निपटने के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का शुभारंभ किया कब किया गया? ये सवाल पहले भी हमने बात करी थी, और यही सवाल पूछा भी गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे हम लोग, 1974-75 हमने कई बार पढ़ा भी है, ठीक है, क्लियर है। राज्य में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत गृह के स्थान है, राज्य में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह के स्थान है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कापूरडी, जालीपा एवं बरसिंगसर, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, कापूरडा, जाला, देखो कापूरडी कहाँ पे है, बाड़मेर में है, ठीक है, तो और क्या है, जालीपा है, जैसे बरसिंगसर, ये सारे यहीं पर है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कितना आसान सा सवाल है इनमें से,
ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर बताना है आपको। कितना शानदार सवाल है। देखो सबसे पहले गुरु से है ना, गुरु शेर, उसके बाद जरा जरगा है ना, जरगा को लॉक करेंगे। बोले सर जरगा को, हाँ जी जरगा को करेंगे। ऑप्शन बी जो है आप सभी का लॉक हो जाएगा। यहाँ पे देखो गुरु से दिल जरा ऊंचा है ना, या अच्छा ऊंचा कैसा भी, तो गुरु गुरु शिखर हो जाएगा दोस्तों। और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 है। शेर से हो जाएगा शेर, जिसकी ऊंचाई 1597 है। दिल वाड़ा तो 1400 कितनी है, 1442 है, ठीक है। और जरगा जरा से हो जाएगा जरगा, तो 1431 है। तो हमारा राइट आंसर जरगा होगा, और जरगा में हमने ये करा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तो राइट आंसर होगा मुसाहिब, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। ये दोस्तों कौन सा युद्ध था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का होगा चित्तौड़ का वो युद्ध था, जयमल पत्ता अकबर, यानी 1567 वाला ये युद्ध था, जिस पर जहाँ पर अकबर ने यहाँ पे आक्रमण करा था। और फिर अकबर ने इनकी वीरता पर मुग्ध होकर दिल्ली के किले पर जो है इन्होंने क्या करा था, अकबर ने हाथी पर इनकी सवार मूर्तियाँ बनाई थी, हाथी पर आरूढ़ मूर्तियाँ बनाई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो वो देखो सीधी सी बात है, अमर सिंह नहीं थे, अमर सिंह थे लेकिन इनके पुत्र कर्ण सिंह, इनके ही काल में कर्ण सिंह को भेज दिया गया था वहाँ पे मुगल दरबार में। लेकिन बारमल तो सबसे पहले संधि करने वाला ही था अगर बात करें तो, ठीक है। और राय सिंह भी नहीं है वह, तो यहाँ पे चंद्रसेन, राव चंद्रसेन, जो कि कहाँ के थे दोस्तों, मारवाड़ के थे। और उसी प्रकार मेवाड़ के कौन थे, तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि गिरि सुमेल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1544 में हुआ था। याद रखेंगे गिरि सुमेल का युद्ध, जिन्हें जैसे जैतारण का युद्ध भी कहा गया है, पाली में हुआ था, किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो ये राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। राव मालदेव जोधपुर के शासक थे, यानी मारवाड़ के शासक से, ठीक है। यहाँ पे जैता और कुंपा, ठीक है, जैता और कुंपा इनके दो वीर यहाँ पे शहीद हुए थे। और शेरशाह सूरी जो था, जिसने कहा था बहुत मशक्कत करने के बाद शेरशाह सूरी को जीत हासिल हुई थी, और कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, तो ऐसा उसे कहना पड़ा था। अगला सवाल है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई किसके द्वारा की गई, कब की गई, 1920 में, ठीक है। तो यहाँ पे हरिभाऊ उपाध्याय करेंगे या फिर किसी और को करेंगे, विजय सिंह पथिक को कर ले क्या, हाँ वैसे साथ में थे बट विजय सिंह पथिक जो है ये अग्रणी थे। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे देखो सुमिलित नहीं, कौन सा नहीं है, ऋषि दत्त मेहता, भूपेंद्र नाथ द्विवेदी त्रिवेदी, ब्रजमोहन लाल शर्मा, स्वामी केशवानंद, नंबर किसको लॉक करें बताओ, ऋषि दत्त मेहता की बात करें। देखो यहाँ पे हमारा ऋषि दत्त मेहता सही है, बूंदी से संबंधित है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी भी बांसवाड़ा से है। ब्रजमोहन लाल शर्मा भी ब्यावर से संबंधित सही है। तो यहाँ पे सुमिलित नहीं कौन सा है, ये स्वामी केशवानंद, अलवर से सुमिलित नहीं है। इनका संबंध देखो, इनका जन्म तो सीकर में हुआ था लेकिन इन्होंने जयपुर और बीकानेर के लिए मुख्य रूप से काम किया, मुख्य रूप से इन्होंने बीकानेर के लिए कार्य किया था। अगला सवाल है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला जिन्होंने 1924 ईस्वी में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व कर नाजायज हिरासत में किसानों को छुड़ाया था, तो वो कौन वीर महिला थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर अंजना देवी चौधरी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल था। तोरावटी क्या है बताइए, तोरावटी क्या है, तोरावटी नृत्य है, बोली है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, तो सीधी सी बात है तोरावटी एक बोली है दोस्तों, तोरावटी या तोरावटी, ठीक है। और ये कहाँ पे बोली जाती है, शेखावटी साइड में। अगला सवाल है कि वंश भास्कर के रचयिता बताना है आपको, वंश भास्कर एक कृति है और ये रचयिता
इसके हैं सूर्यमल मिश्रण, और इनको राज्य कवि का दर्जा दिया गया है, राज्य कवि है ना, राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा इन्हीं को दिया गया है। ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे, बूंदी राम सिंह के राज्य कवि कह लो या दरबारी कवि कह लो, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा इनको मिला हुआ है, वंश भास्कर इन्होंने लिखा था, ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे थे जैसे राम रंजाट वगैरह। राजस्थान में कहाँ पर कजली तीज का त्यौहार और मेला प्रसिद्ध है, कहाँ का? तो कजली तीज सॉरी बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीज, है ना, या फिर ऐसा ही भी सवाल किया जा सकता है कई बार कि तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की, ठीक है। मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? नंबर 25 का आंसर होगा आपका घूघरी गीत है, ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है, बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के प्रमुख उद्देश्य है क्या है, ये आपको बताना है। समाज में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच है, उसके स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर पर सुधार लाना। बालिका के जन्म से राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तथा वित्तीय सहायता देना, करने तक वित्तीय सहायता देना। इस योजना का लाभ 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को ही मिलेगा या उपरोक्त सभी होगा, क्या होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे कथन एकदम सही है। अगला सवाल है, राइया का खटकड़िया झमटिया पाट तथा भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र है, तो ये आपको बताना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। बोले सर राइट आंसर गौरी, गौरी के ये क्या है दोस्तों, पात्र है, मुख्य पात्र है ये वाले, खटखटिया है, राइया है, झामटिया है, पाट है, भोज है। नेक्स्ट सवाल, एक लोक नाट्य की वह विधा जो जयपुरी ख्याल और द्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है, वह जिसके संवाद काव्यात्मक होते हैं, जिनमें गायन संगीत और नृत्य की प्रधानता होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा तमाशा। दोस्तों तमाशा को लॉक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और अगला सवाल एक बेहतरीन सवाल है, गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है, गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, घूमर कहाँ की प्रसिद्ध है, झूमर कहाँ की प्रसिद्ध है, बताओ, है ना। तो गरबा की बात करें, देखो गैर सबसे पहले तो पता होना चाहिए, घूमर, घूमर सर मारवाड़ की प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी में एक आ रहा है, ठीक है। सर गरबा जो है ना, गरबा तो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का, चलो पहले मैं दो कर दिया हमने, ठीक है। अब जो बी है गैर, गैर सर मेवाड़ का प्रसिद्ध है, चलो 2 3 1, 2 3 1 कहीं पे आ रहा है, ऑप्शन एज में आ रहा है 2 3 1, अब 4 ऑटोमेटिक आ जाएगा, झूमर कहाँ का है, आड़ूती का है। तो आपने क्या करा, ऑप्शन बी को चुना है, बेहतरीन सवाल था, 2 3 1 4, जो पहले आए वही करने हैं आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुल देवी, जिनका नाम है आई माता, इनको बिलाड़ा माता के नाम से भी जाना जाता है, इनके जोत से जो केसर की ज्वाला जो है टपकती है ना, जोत की ज्वाला से केसर टपकती है यहाँ पर मंदिर में, और भी जैसे बहुत सारे तथ्य हैं, ये मालवा से आए थे, सिरवी जाति की कुलदेवी हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, रामदेव जी की शिष्या है। चलो कि तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है, देखो तोरावाटी की पहाड़ियाँ जो है ना, ये आपके मध्य अरावली में, शेखावटी में, बूंदी की पहाड़ियों में, अलवर की पहाड़ियों में, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, शेखावाटी में, तोरावाटी की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से सीकर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखो शीतकाल में जो वर्षा होती है, भारी वर्षा नहीं होती लेकिन जो भी होती है उसे मावठ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। जो भूमध्य सागर कह सकते हैं आप लोग, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से होकर यहाँ तक, हमारे यहाँ तक पहुँचती है, तो ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही कथन का चुनाव करना है, दोस्तों सही कथन का चुनाव करना है, और करिए। जब भूमि में लवण या क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे ऊसर की रेह मिट्टी कहते हैं, क्या ये सही बात है? ठीक है सर सही है। ऐसी मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट सल्फेट तथा क्लोराइड के साथ मैंगनीज तथा कैल्शियम
कैल्शियम क्षारों की मात्रा बढ़ जाती है, ये भी सही है। राज्य में इस प्रकार की समस्या ग्रस्त मिट्टी जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, भरतपुर जिले अधिक प्रभावित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल सारे के सारे कथन है, सही है। ठीक है, यस यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि तालाब शाही कहाँ स्थित है? तालाब शाही कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, धौलपुर में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ पे है? धौलपुर में। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। धौलपुर को लॉक कर देंगे ऑप्शन थ्री को। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि स्थानीय स्वायत्त शासन सरकार के संविधान में विषय है, समवर्ती लिस्ट है, राज्य लिस्ट है, या संघीय सूची है, या फिर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, संघीय सूची हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है मेवात क्षेत्रीय विकास योजना संबंधी कौन सा कथन असत्य है? बताइए। यह कार्यक्रम राज्य के मेव बाहुल्य अलवर व भरतपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह योजना अलवर जिले में चार पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तेजारा, मुंडावर व भरतपुर जिले की दो पंचायत समिति नगर और डीग में संचालित किया जा रहा है। क्या ये सही बात है? नहीं सर, ये गलत है। यहाँ पे चलो इसको अकथन है ये, ठीक है, असत्य कथन है ये वाला। बाकी इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के विकास को गति देना, इस क्षेत्र के लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्तर उठाना, ये सही है, ये भी सही है। यह योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है तथा जिला स्तर पर यह योजना के संचालन, इस योजना के संचालन जिला परिषद को नोडल एजेंसी बनाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अब ये कथन गलत क्यों है? तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो चार पंचायत समिति है ना, यहाँ पे आठ है, इसीलिए यहाँ पे ये गलत है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार का क्रम है, बताइए। क्षेत्रफल की अवरोही क्रम में सही कथन जो है ना वो आपका ऑप्शन बी है। शुष्क पर्णपाती है, फिर मिश्रित पर्णपाती, फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार है, फिर उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित है। यानी ऑप्शन बी से शुरुआत होती है और आरंभ शुष्क पर्णपाती और अंत उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो ऐसे में आपको याद ये रखना है कि 2007-08 से प्रारंभ किया गया दोस्तों, याद रखना, गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। और आपसे ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा मिशन में जो भी परिवार ऐड है ना, जो शामिल है, उनको क्या दिया जा रहा है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ दिया जा रहा है, यह भी आपको याद होना चाहिए। राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल पर स्थित अभयारण्य कौन सा है? पहाड़ी स्थल पर दोस्तों माउंट आबू है, क्यों, सज्जनगढ़ भी तो है ना। हाँ है तो सही सर, चलिए सज्जनगढ़ ऑप्शन में नहीं है, हालांकि माउंट आबू यहाँ पे ऑप्शन में, तो माउंट आबू ही करेंगे, जो कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है ये वाला अभयारण्य। किसके लिए? जंगली मुर्गों के लिए, ठीक है। और कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद में है, सरिस्का अभयारण्य आपके अलवर में है, सीता माता अभयारण्य कहाँ पे, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट सवाल है और पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सत्य है? नंबर 10 क्वेश्चन है और ऑप्शन क्या है देखो, केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारादेर का गलत है, केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ गलत है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू गलत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें ना, तो यहाँ पे ये सवाल ही गलत टाइप हुआ है। निम्न में से कौन सा एक सत्य है, नहीं, निम्न में से कौन सा एक असत्य है, ऐसा सवाल है ये, जहाँ पर देखो ऐसा है कि केंद्रीय ऊँट प्रजनन और अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, ये सत्य बात है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये बारा में नहीं है, ये गलत बात है। केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र ये चित्तौड़ में है और सही बात है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में, ये भी सही बात है। तो दोस्तों 4 चाहिए 3 भी सही है और ऑप्शन एक भी सही है, ये दो गलत है। तो ये कहाँ पे है? ये बीकानेर में, ठीक है। यहाँ पे यही कहना चाह रहा है सवाल कि भाई असत्य कौन सा था, असत्य ऑप्शन बी था, जहाँ पे बी में हमने बीकानेर करा। नेक्स्ट सवाल है, राज्य का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है,
कितने प्रतिशत धारित करता है? ऑप्शन बी 23% जो है करता है, जो कि दूसरे नंबर पे है, ठीक है, दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे 61% मरुस्थल है, दूसरे पर है मैदानी भाग, ये सभी को पता है। अगला सवाल है कि भाई निम्न में से सुमेलित आपको करना है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर को, नंबर चार, जैसे आपको पहले कौन सा आ रहा है वही करें, मैंने आपको कई बार बताया। ताम्रवती नगरी की बात करें तो वो आहड़ को कहा जाता है मेरे भाई, है ना, आहड़ को आपने कर दिया। हड़प्पा संस्कृति की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा गया या कालीबंगा प्रथम को? अब यहाँ पे आपको पहले तो ये देखना चार और तीन कहीं प्यारे हैं, चार तीन या दोनों प्यारे हैं, चलो तो अब बताओ राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, हड़प्पा संस्कृति की तीसरी राजधानी की बात करें तो कालीबंगा है, ठीक है, अब यहाँ पे दो करेंगे, उसके बाद आपका कालीबंगा प्रथम सोंथी को कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर जो है करेक्ट होगा। और इस प्रकार के सवालों में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है लेकिन हो जाते हैं आसान से। नेक्स्ट सवाल है, जयपुर राज्य की भूमि से संबंधित रिकॉर्ड जिसमें राज्यों के परगनों की भूमि व पैदावार आदि का विवरण मिलता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 68, है ना, 68 को लॉक करेंगे यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मारवाड़ का प्रताप के नाम से प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया है, है ना, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा गया है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप के हम कह सकते हैं पथ प्रदर्शक थे ये, ठीक है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जिस प्रकार से मेवाड़ में प्रताप ने कार्य किए उसी प्रकार से अपने स्वाभिमान के लिए अड़िग रहे थे राव चंद्रसेन अपने ही राज्य यानी मारवाड़ में। नेक्स्ट सवाल है, राजपूताना के किस शासक को नरेंद्र मंडल द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था, बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए महाराजा गंगा सिंह, गंगा सिंह कहाँ के थे, बीकानेर के थे, और बीकानेर षड्यंत्र जो रचा गया था वो गंगा सिंह के द्वारा ही करा गया था, तो यानी ऑप्शन ए भी आपका लॉक हो जाएगा, अच्छा सवाल था। मेवाड़ पुकार क्या था दोस्तों बताइए, मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजाव द्वारा तैयार की गए एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था, मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक समाचार पत्र था, नहीं साहब, केसिंग भारत द्वारा रचित शौर्य गाथा, नहीं, मेवाड़ से प्रकाशित मासिक पत्रिका, नहीं, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और इसमें महाराणा को दिया गया एक मांग पत्र था जिसमें मेवाड़ पुकार था, है ना, ये मेवाड़ पुकार कितना यानी 21 सूत्री मांग पत्र था। और अगला सवाल है देखिए नंबर 17 की, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्न में से गलत युग्म को पहचानना है, टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, दोस्तों कोई शक नहीं है बोली ही जाती है, डूंगरपुर में वागड़ी बोली जाती है कोई शक नहीं, बारा में हाड़ौती बोली जाती है, लेकिन करौली में मेवाती नहीं बोली जाती, मेवाती कहाँ बोली जाती है, तो मेवाती अलवर में मुख्य रूप से, और फिर थोड़ी बहुत भरतपुर में, हालांकि भरतपुर में ब्रज है, ठीक है, पर यहाँ पे आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डी नहीं बल्कि मेवात का तो अलवर ही होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे, कौन थे बताइए, गरीबदास तो था नहीं, है ना, दुर्गा हाड़ा भी नहीं थे, केशवदास गार्डन भी नहीं थे, रणछोड़ भट्ट थे, ऑप्शन थ्री को लॉक करेंगे यानी ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर में कुल कितने साके हुए बताइए दोस्तों, जैसलमेर में कुल कितने साके हुए, तो ढाई साके हुए जैसलमेर में दोस्तों, कितने हुए, ढाई, तो यहाँ पे आपने ऑप्शन सी को लॉक करा है, ये एक बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुक करते हैं हम लोग, देखो जैसलमेर में जो ढाई साके हुए ना वो कुल कितने साके हुए, ढाई हुए, तो ढाई कौन कौन से हुए ये भी बात कर लेते हैं। देखो पहला साका जो हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, ठीक है, और दूसरा साका जो हुआ था वो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय, ठीक है, तो और तीसरे साके की बात करें तो जो अर्धशाका हुआ था जो लूणकरण के शासनकाल के समय हुआ था, कंधार का शासक था अमीर अली ने यहाँ पे आक्रमण करा था। अगला सवाल है कि कुंभलगढ़ का किला किस ज़िले में स्थित है बताइए, देखिए दोस्तों कुंभलगढ़ का किला किस ज़िले में स्थित है, अब इससे आसान क्या होगा, है ना, तो राजसमंद को लॉक करेंगे, राजसमंद आप सभी का लॉक हो जाएगा। और कुंभलगढ़ किले के निर्माण की जब बात करी जाती है 1456 तक इसका निर्माण कंप्लीट हुआ, कहीं 56 भी है कहीं 58 भी है, तो 1448 से लेकर 1456 तक इसका निर्माण हुआ, किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया, ठीक है, और कुंभल देवी इनकी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर। चलो अगला सवाल है, अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, ये सवाल आपको कल के पेपर सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल था,
अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में बाल विवाह सर्वाधिक इसी त्यौहार पर होते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल है, पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है? जस्सा होलर, बिल्कुल सर यही होगा। अरे वाह क्या बात है, जहाँ पर मैंने आपको कई बार एक बार तुक्के की एक वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए कि तुक्के भी कैसे लगाए जाते हैं क्या, यस। तो ऐसे में जस्सा होलर, देखो यहाँ पे कोष्टक का जब भी आ जाए तो उसको ध्यान में रखना है, वो आपका सही होने के 90% चांस रहते हैं। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है बताइए? मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है क्या? बताओ साहब। यहाँ सर कहा जाता है, कहाँ के थे? बीकानेर के थे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इनको राष्ट्रपति सम्मान भी मिला हुआ है। अगला सवाल है, गोमा मीणा कालू कीर काल कान गुजरी मियाँ मेंढ वे नहारादी, ये क्या है बताइए? नए नाम है तो क्या है? छोटी लघु नाटिकाएं जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एकदम से शानदार सवाल था आपका और ज़बरदस्त सवाल था। अगला सवाल है, हेला ख्याल में मिलती जुलती संगीत की विधा जो सवाई माधोपुर भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कन्हैया। कन्हैया है ना, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कर देंगे। हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है बताइए? हाथी मना नृत्य जो है ना किस जनजाति में प्रचलित है? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, भीलों में प्रचलित है दोस्तों, ठीक है, यस बहुत बढ़िया। ऑप्शन थ्री को लॉक करेंगे, हाथी मना नृत्य भीलों में प्रसिद्ध है। वैसे हम लोग कहते हैं ना एक कि नेहा गेंग युद्ध करती घूम रही है, ये हमारी ट्रिक है भील जनजाति की नृत्यों की, है ना, नेहा है ना। तो ऐसे में आपको याद रखना है, क्योंकि देखो पहले मैं नेहा जैसे नेजा है, फिर हाथी मना है, इस प्रकार से जैसे गैर है गौरी है, इस प्रकार से, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? देखो गोगा जी भी है, बाबू जी भी है, तेजा जी भी है, उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, लेकिन याद रखना पंच पीरों में तेजा जी शामिल नहीं है। कई बार सवाल पूछा गया तेजा जी शामिल नहीं है, ठीक है। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद भी छिड़ता है या मिलता है, बताओ साहब क्या होगा राइट आंसर? शिला देवी, शिला माता का मंदिर कहाँ पर है? मान सिंह के द्वारा इनकी मूर्ति लाई गई थी, स्थापित किसने करवाई थी? मान सिंह ने, चलो याद रखना कहाँ पे है, जयपुर में है, शीले डोंगरी जहाँ पे बनी हुई है। अगला सवाल है, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री कौन थी? रमाबाई थी, ठालीबाई थी, सहजोबाई थी या पीपाजी? कृष्ण भक्त कवित्री पूछा है तो पीपाजी को हटा दीजिए, है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सहजोबाई। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, एक बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली में निर्मित है? गुर्जर प्रतिहार शैली को लॉक करें क्या? सर हमें तो नहीं पता कि किराड़ू मंदिर है ही कहाँ पे, चलो किराड़ू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है दोस्तों, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शैली की देन है, यानी ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। राजस्थान में बृहत सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे है, ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है, तो याद रखना बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में फैला हुआ है, ये हाल ही के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर की पहाड़ियों की बात करें दोस्तों, गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर की पहाड़ियों के अंतर्गत आती है, ठीक है, और हम बात करें जैसे लासड़िया का पठार वगैरह है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, किस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा CAW जलवायु प्रदेश, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। किस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है? और जलवायु से संबंध में मैं आपको कई बार अलग से पर्टिकुलर क्लास दे चुका हूँ, तो जलवायु का दोस्तों अलग से आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। राज्य में सेम की समस्या से संबंधित जिले कौन से हैं या फिर जिला कौन सा है, ऐसा आपसे सवाल किया जा रहा है। मुख्य ज़िले की बात करें तो वो आपका हनुमानगढ़ है दोस्तों, मुख्य ज़िला सेम की समस्या से
मिट्टी का मतलब इसमें क्या होता है, रिसा होता है, मिट्टी में पानी का रिसा होता है, ऐसा होता है। तो गंगानगर भी है, बीकानेर भी है, हनुमानगढ़ भी है। उपरोक्त सभी को आप लोग लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे दोस्तों। और बीकानेर के सीमावर्ती जो जैसे जोधपुर के कुछ क्षेत्र है वहाँ पर भी ऐसा होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो सेम की समस्या है वो हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में होती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमिलित है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। नवलका झील, गैब सागर, बालसमंद झील, गलता झील। देखो साहब, नवलका झील बूंदी देर का है, गैब सागर डूंगरपुर देर का, ये सही है, यानी दो तो सही ही है। दूसरा बालसमंद झील जोधपुर में सर, तीसरा भी सही है। चलो सर, गलता जी जयपुर में, ये चौथा भी सही है। तो कहीं पे देखो, आपको नवलका झील के बारे में पता नहीं है ना, तो मैं बात करूँ, ठीक है, बाकी आपको तीन पता है फिक्स, या फिर आपको कुछ दो ही पता है तो भी आप कर सकते हैं, एक नहीं आ रहा है, दो आ रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो बोले सर दो तीन चार कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो सभी ही होंगे, है ना, ये तीन तो श्योर है ना, तो सभी ही होंगे, सभी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। देखो, गरीबी उन्मूलन शामिल है, खाद्य सुरक्षा शामिल है, सभी के लिए स्वास्थ्य भी शामिल है, लेकिन शहरी सड़कें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की वह नहर परियोजना जिसे राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की लगातार मांग की जा रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल भी था। और अगला सवाल है, राज्य में किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं, चुरू में या हनुमानगढ़ में। कल की ही क्लास में हमने बात करी थी, चुरू जिला हो जाएगा। और मुख्य रूप से जो पहले वैसे जिले, ऐसे जिले जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो वो है उदयपुर और बारा, ठीक है। और सबसे कम चुरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर सबसे कम है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP है ना, DPAP के संबंध में असत्य कथन क्या है, कि भाई सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 74-75 में आरंभ किया गया, ये तो भैया सही है, ठीक है, ये तो सही है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करना तथा सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दो, है ना, यही आपका सही जवाब है, ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। 1995 से ये कार्यक्रम जल संभर विकास योजना के तहत, 2003 से हरियाली परियोजना के तहत क्रियान्वित किया गया, ठीक है। यह कार्यक्रम राज्य में 5 जिलों यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर और झालावाड़ में लागू हुए, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, असत्य तो सिर्फ यही है, ऑप्शन बी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, राज्य में स्थित अभयारण्य जो देश का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है, ये कौन सा है दोस्तों। देखो, बाघ अभयारण्य पूछा है तो कुंभलगढ़ बाघ अभयारण्य नहीं है, ठीक है, पहले तो ये निकाल लो बाहर। रणथंबोर 1974 में लगभग हुआ था बाघ अभयारण्य, तो रणथंबोर तो बड़ा अभयारण्य है दोस्तों, बाघ अभयारण्य, ठीक है, ये तो राज्य का सबसे बड़ा हो जाएगा और पहला भी हो जाएगा, है ना। तो सरिस्का जो है यहाँ पे आपका सही आंसर होगा, सरिस्का जो है ये कम क्षेत्र में ही फैला हुआ है। और हम बात करें दोस्तों तो मुकुंदरा हिल्स जो है, देखो सरिस्का अलवर में है, मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ और कोटा में है, रणथंबोर की बात करें सवाई माधोपुर में है, कुंभलगढ़ की बात करें तो ये आपके राजसमंद में है। लेकिन यहाँ पे पिछले सवाल की तरफ हम लोग वापस जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सारे सही है ना, ये सारे सही है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको गलत बता दिया, इसका सही है, ये भी सही है। ये कार्यक्रम राज्य में 5 जिले नहीं है दोस्तों, 12 जिले हैं वर्तमान में, 12 जिले हैं वर्तमान में, ठीक है, तो 12 जिले हैं यहाँ पे, 12 अगर आ जाएंगे तो ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर असत्य कथन पूछा है ना, तो असत्य कथन मुझे शुरू में ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पे याद रखना असत्य कथन आपका ऑप्शन फोर है दोस्तों, याद रखना पुनः, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ में सुमेलित करना है, खनिज और खनन क्षेत्र पूछा है। देखो, आपको अगर दो भी याद हो या एक भी याद हो तो पहले वो करें, कई बार बताया मैंने आपको, सीसा जस्ता, टंगस्टन,
है ना, मैंगनीज तांबा। अब देखो, आपको अगर एक भी इसमें से आ रहा है ना, तो भी आप काम बना सकते हैं। बोले सर, सीसा जस्ता जो है ना, ये गुड़ा किशोरी दास में है, ठीक है, तो इसमें तो काम बनेगा नहीं। फिर सेकंड पे चलते हैं, टंगस्टन। सर टंगस्टन देखो, एक तो नागौर में है रेवत पहाड़ी, डेगाना, एक वालदा में है सिरोही, जो बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे ये भी सही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो सही हो जाएगा। तीन चार आ रहे हैं इसमें आपके। अब मैंगनीज जो है लीलवाना है, तांबा जो है कोलिहा है, बात बन गई, ऑप्शन ए को लॉक कर दिया और आगे बढ़ लिए। राजस्थान का अकाल, राजस्थान की राजस्थान का अकाल राजस्थान की कितने प्रतिशत मरुस्थली भूमि को प्रभावित करता है? मरुस्थली भूमि को दोस्तों लगभग 60% प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है, किस जाति से संबंधित है दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अनुसूचित जाति से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। एक बेहतरीन सवाल है और अच्छा भी सवाल है। अगला सवाल देखो, शहरिया लोगों के सहुमुखी विकास हेतु शहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 में संचालित किया गया और कहाँ से शुरू किया गया, यानी अब ये कितने ज़िलों में है? तो दोस्तों किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में है, और ये दोनों तहसीलें हैं वर्तमान की 12 में है, और यहीं पर अधिक से अधिक शहरिया जनजाति रहती है, और शहरिया विकास कार्यक्रम की बात करें 77-78 में शुरू किया गया, ये याद रखना इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए अगला सवाल है, भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से वसूल किए जाने वाले कर क्या कहलाते थे? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाग बाग कर, है ना, भू राजस्व में अतिरिक्त कृषकों से वसूल किए जाने वाले कर लाग बाग कहलाते थे। और अगला सवाल है, संगीत सार के लेखक है, संगीत सार के लेखक है इनमें से, तो राइट आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के समय ही गुणीजन खाना की स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखना। एक सेकंड, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी की बीकानेरी उपबोली है, जोधपुरी भी है, थली भी है, लेकिन नागर छोल नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागर छोल, ऑप्शन बी। अच्छा, मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करें, सबसे बड़ी उपबोली कौन सी है मारवाड़ी की? आप कहेंगे सर गोड़वाणी है, ये भी आप याद रखेंगे, पाली जालौर क्षेत्र में बोली जाती है सर्वाधिक रूप से। कांदड़ देव प्रबंध के लेखक दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, और इसके लेखक पद्मनाभ है, नयन सुखे, राव भट्ट या हेम कवि है? बोले सर हम तो पद्मनाभ करेंगे, चलिए अगर आप कर रहे हैं तो आप सही ही कर रहे हैं, पद्मनाभ को लॉक कर देंगे। निम्न में से सुमेलित करना है, प्रथम चरण, सेकंड चरण, चतुर्थ चरण, सप्तम चरण, देखो क्या नाम से कहलाए। अब किसको नहीं पता पहला चरण, सभी को बताएं, यस नो, पहला चरण सर मत्स्य संघ होगा, दो आएगा पहले में, चलो दो आ जाएगा, तो हमने दो लिख दिया, बाकी दो बहुत जगह आ रहा है, दो जगह आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण यानी कि संयुक्त होगा, चार चार, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, अभी तक बात अटकी हुई है। आपको सप्तम सप्तम चरण की बात याद होगी दोस्तों, तो ये होगा राजस्थान पूर्ण रूप से, तो लास्ट में तीन आएगा, कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है या फिर इसमें आ रहा है? बोले सर दो में आ रहा है, चलिए ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी में आ रहा है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया, तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बोले सर 22 मार्च 1957 को लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, और अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा? इंडोलिया, बिछुड़ो, चिरमी, घुड़ला। घुड़ला नहीं गाया जाता, बिछुड़ो भी नहीं होगा, चिरमी भी नहीं होगा, हिंडोलियो ही होगा, है ना? अभी ये तो अब श्रावण मास की बात है दोस्तों, श्रावण महीने में झूले खूब झूलेंगे और हिंडोलिया गीत भी गाया जाएगा, तो ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय
शौचालय निर्माण हेतु देय राशि कितनी है? 12,000 है या 14,000 या 20,000, 11,600? बोले सर यहाँ पे तो ऑप्शन ए ही सही होगा, 12,000 रुपये हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत। अगला सवाल है, अली बख्श की ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? अली बख्शी ख्याल किस ज़िले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलवर को लॉक करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इस प्रकार का सवाल कल भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, चार बेत का, चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है ना, ऐसा कल मतलब आपको कल के पेपर में पूछा था हमने ना। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जल्दी से? ऑप्शन डी को लॉक करें, सॉरी सी को लॉक करेंगे। विवाह के अवसर पर भील पुरुष और महिलाओं द्वारा एक घेरा बनाकर द्विचक्री होगा। गौरी भी भीलों का ही नृत्य है, ठीक है, हाथी मना भी भीलों का ही नृत्य है, और युद्ध भी भीलों का ही नृत्य है। ठीक है, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है कि गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? बताइए दोस्तों, गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, होली। ठीक है, गैर नृत्य हालांकि है किसका, भीलों का ही है गैर, बाकी वैसे होली पर तो अमूमन सभी जाति के लोग करते ही हैं ये नृत्य। कुशाल माता या खुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कुंभलगढ़ में, ओसिया में, बदनोर में या उदयपुर में? देखो साहब बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बदनोर में करवाया था और बदनोर भिलवाड़ा में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाड़मेर जिले के किराड़ू के मंदिरों में संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन को छांटना है, अब बताओ क्या होगा? इन मंदिरों का निर्माण की बात करें 12वीं से 13वीं शताब्दी में किया गया, इन मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो भी कहा गया, इन मंदिरों को अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, ये गलत बात है, यानी ऑप्शन सी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। मदिल एक प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों, आभूषण है, पगड़ी है या लोक संगीत है, क्या है बताइए? आप कहेंगे सर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, मदिल एक प्रकार की पगड़ी है, चलिए बहुत बढ़िया। और अगला सवाल है, निम्न कथन को, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? अगर देखा जाए तो देखो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को मारकर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था, क्या सही बात है? क्योंकि साका हुआ था दोस्तों और इस साके में कोई भी बच्चे नहीं थे। 1567 ईस्वी में अकबर ने राणा उदय सिंह को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया, सही बात है, यह भी एक साका था, ये तीसरा साका था, ठीक है, चित्तौड़ का तीसरा था, ये रतन सिंह वाला चित्तौड़ का पहला साका था। 1615 में जहांगीर ने ये दुर्ग फिर से अमर सिंह को लौटा दिया, ये भी सही बात है, क्योंकि यहाँ पे संधि हो चुकी थी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, सारे कथन सत्य है। दाल और ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है, गुबंदाकार होती है, रेखीय होती है, चौकोर होती है, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गुबंदाकार, जालोर। देखो आप सभी को बताएं, जालोर ग्रेनाइट सिटी के नाम से पहचाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी सर जालोर को कहते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रेनाइट कहाँ पे देखने को मिलता है? जालोर में। हालांकि ग्रेनाइट आपको लगभग 15 से 20 जिलों में देखने को मिल जाएगा, पर सर्वाधिक तो वो है जो जालोर में। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घटती है। देखो वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता जो है ना वो घटती है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका बी जो है लॉक हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ये सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलता है? पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है, ये आप सभी को जानकारी है। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सुमेलित करना है ना, फर्स्ट के साथ में सेकंड, और ये क्या है? ये यहाँ पर खनिज क्षेत्र है। ठीक है, लूणकरण सर दोस्तों है कहाँ पे? बोल सर बीकानेर में, जावर उदयपुर में है, डेगाना नागौर में। देखो है, लेकिन यहाँ पे एक पूछा क्या जा रहा है कि भी कौन से खनिज से संबंधित है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो लूणकरण सर अगर हम देखो, मैंने हर बार मैं यही बता रहा हूँ कि आपको पहले कौन सा रहा वो करें आप। ठीक है, जैसे
जावर का आपको पता हो, या लूणकरण सर का पता, या डेगाना का पता? सर हमें तो डेगाना का पता, तो डेगाना टंगस्टन कर लो। सर मुझे जावर का पता है कि सीसा जस्ता के लिए, चलो जावर का। तो बी में 3 आ रहा है ना, और सी में आपके 4 आ रहा, कहीं पे आ रहा है। बी में 3 आ रहा है, सी में 4 आ रहा है, ये हो गया राइट, बाकी कहीं आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आप कर सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, बेहतरीन सवाल था। बाकी लूणकरण सर जिप्सम हो जाएगा, ठीक है, और जावर जो है बेरिलियम हो जाएगा, आराम से इजीली हो जाएगा। सॉरी, चंपा गोडा बेरिलियम होगा, जावर तो अभी हमने कर लिया ना, सीजा जस्ता। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। देखो, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है साहब, होता है, मान लिया हमने। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है, वेरी गुड, सही बात है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, वेरी गुड, ये भी सही है। जलोढ़ मिट्टी अवसादी चट्टानों के अपक्षय से बनती है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। एक बार फिर से दोस्तों, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, बलुआ और ग्रेनाइट पत्थर, ठीक है, और दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट शैलों से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, लाल लोमी का। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण, और जलोढ़ मिट्टी अवसादित चट्टानों के अपक्षय से बनती है। राजसमंद झील के बारे में सत्य कथन आपको चुनना है। इस झील का निर्माण 1662 में हुआ, और इस झील के किनारे 9 चौकी तथा जहाँ मेवाड़ का इतिहास हिंदी में अंकित है। दोस्तों इनमें से राइट आंसर आपका केवल एक जो है वो सत्य कथन होगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, हिंदी में इसका इतिहास नहीं है। इस झील के किनारे 9 चौकी पाल जरूर है, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। काली सिंध नदी, दोस्तों काली सिंध नदी पर स्थित नवनेरा बैराज राज्य के किस जिले में स्थित है? नवनेरा बैराज दोस्तों ये कहाँ पर स्थित, आपसे सवाल किया जा रहा है। आपका आंसर आएगा यहाँ पे कोटा है सर, काली सिंध नदी कोटा, कोटा में नवनेरा बैराज में नवनेरा बांध बना हुआ है, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जिलों का वह समूह जहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, सबसे अधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं, वो समूह बताना है। हालांकि समूह क्या है, दो जिले, टॉप दो जिले ही तो बताने हैं आपको, बस ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है उदयपुर है, और उसके बाद में 12 का नंबर आता है दोस्तों, 12 है, उदयपुर है, ठीक है, 12 और उदयपुर, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर जाएगा। न्यूनतम की जब बात आए तो हनुमानगढ़ है, जैसे चूरू है ना, जोधपुर भी है, यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है, ये कम वाले जिले मैंने आपको बताए हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बोले सर गेहूं है, दाल भी है, मोटे अनाज भी है, व्यापारिक फसलें भी है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, बेहतरीन सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल है, राज्य का वह अभयारण्य जहाँ से मानसी वाकल और सोम नदी निकलती है बताइए। तो ये फुलवारी की नाल से निकलती है, मानसी वाकल और सोम नदी। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि फुलवारी की नाल अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, अब बताइए दोस्तों। ये उदयपुर में है ना, या फिर आपके अजमेर में है? अब दो ही ऑप्शन है, सिर्फ 4 नहीं दे रहा, दो में से आपको बताना है, ठीक है, और बाकी आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। 19वीं पशुगणना के मुकाबले 20वीं पशुगणना में किस पशुधन में वृद्धि दर्ज की गई है? और यहाँ पे राइट आंसर की उम्मीद सभी से करूँगा। देखो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, गाय और भैंस में वृद्धि दर की गणना की गई है प्रतिशत के रूप में, ये बात है 20वीं पशुगणना में, ठीक है, ओके सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, राजस्थान में अकाल और सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है बताइए। राजस्थान में अकाल व सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है? तो याद रखना, वर्षा की अनियमित और अनिश्चितता। वर्षा, देखो राजस्थान में अकाल और सूखे का प्राकृतिक जो कारण है वो यही है, वर्षा की अनियमितता है, यहाँ पे नियमित रूप से वर्षा नहीं होती, न ही निश्चित है, जैसे कि जो मौसम के हिसाब से या जो जलवायु के हिसाब से जो वर्षा आती है वो यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलती है।
हालांकि एक चीज़ और भी है, जैसे पश्चिमी मरुस्थल का जो कम वर्षा होने का मुख्य कारण अरावली का समांतर स्तर में होना किसके, जलवायु के, ठीक है। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल है, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के संबंध में निम्न में से असत्य कथन क्या है? असत्य कथन ही ढूंढना है आपको। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है, और इसमें देखो यह कार्यक्रम 5 जिले यानी अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली में 14 पंचायत समितियों में 5-6 में शुरू किया गया था। सही बात है, यह 100% राज्य वित्त पोषित है। सही बात है, योजना मगरा क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू की गई है। ये जो है ना, ये गलत बात है, दोनों में नहीं है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। योजना का मुख्य उद्देश्य मगरा क्षेत्र के लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ मगरा क्षेत्र आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल है, गिराल परियोजना संबंधित है, बताइए। गिराल परियोजना संबंधित है तो क्या होगा? ताप विद्युत को लॉक करेंगे आप लोग, है ना? ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। गिरल परियोजना संबंधित है, ताप विद्युत से संबंधित है, और गिरल परियोजना कहाँ पर है? गिरल, बोले सर गिरल बाड़मेर में है। बहुत बढ़िया, ये सवाल कितनी ही बार पूछा गया है, कितनी ही बार, है ना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, बताइए। राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज उत्पादन का करीब 22% है। राजस्थान की डीजीपी में केवल खनन का योगदान लगभग 5% है। पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है ना सही है, ठीक है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, बेहतरीन सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, कह रहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित किया गया है? तो इनमें से आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY। देखो, दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है? तो SJSRY, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, और एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल कई बार देखने को मिल जाते हैं। हल्दीघाटी एवं खानवा के संबंध में जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? दोस्तों वैसे ही हल्दीघाटी और खानवा दोनों क्षेत्र जो है ना युद्ध के लिए, ऐतिहासिक युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप सभी को पता है हल्दीघाटी के युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हुआ था 1576 में, 18 जून या 21 जून, दोनों डेट आप याद रखेंगे। और ये जो खानवा का युद्ध हुआ था ये 1527 में हुआ था, आप सभी को पता है, ठीक है, मार्च महीने में हुआ था। इससे पहले बयाना का हुआ था, जो हुआ था फरवरी महीने में। तो ये सांगा से रिलेटेड है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे देखो, हल्दीघाटी जो है आपके राजसमंद में है, ठीक है, और खानवा जो है ये आपके भरतपुर में है, रूपवास तहसील में था उस समय, है ना, अभी भी है खैर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है जो सही होगा। बिहारी सतसई के रचयिता, बिहारी सतसई के रचयिता किसके दरबारी कवि थे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए होगा दोस्तों। बिहारी सतसई के रचयिता, बिहारी जो थे वो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, और इनके एक दोहे पर इनको मोहर दी जाती थी भेंट रूपी। अगला सवाल है, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने करी थी, बताइए। आप कहेंगे सर केसरी सिंह बारट ने करी थी वीर भारत सभा की स्थापना, कोटा की बात हो रही है, और ये सवाल हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एग्ज़ाम में 2-3 एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। ओके, अगला सवाल है, बीकानेर में आज़ादी के आंदोलन के जनक जिन्हें दूधवा खारा किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर में आज़ादी के आंदोलन के जनक जिन्होंने दूधवा खारा किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करा था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मग्गा राम वेद, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और बीकानेर के मगराम वेद जो थे एक सक्रिय नेता भी थे। नरेगा के संबंध में जो असत्य कथन है उन पर चिन्ह लगाना है दोस्तों, जो कौन सा गलत है। इस कानून में अनुमोदित कार्यों के प्रकार का उल्लेख है, ठीक है, सही है। सरकार के अन्य कानूनों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता और जवाबदेही संभव नहीं है, ये भी सही है।
इस कानून में व्यक्तिगत कार्यों का भी विशेष वर्णन है, यदि वे गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है। और नेक्स्ट है जो इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता, 1 वर्ष में 274 दिन के रोजगार की गारंटी, गलत है। कितने दिन है आप लोग बताएंगे? कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया और हमने भी कई बार बात करी है, तो बताइए दोस्तों अगर रेगुलर जुड़े हैं आप, कितने दिनों का रोजगार है ये आपको बताना है। अगला सवाल है, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट के साथ में सेकंड को, और अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NSF है ना, NFS, और मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, तो यहाँ पे कब ये शुरुआत हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो अंत्योदय योजना वर्ष 2000 में हुई थी, ठीक है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये 2007 में हुई थी, और मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना 2010 में हुई थी, ठीक है, 2000, 2007 और 10। देखो अंत्योदय 2000, खाद्य सुरक्षा 2007, ठीक है, और अन्नपूर्णा 2010, मतलब अन्न सुरक्षा योजना। पृथ्वीराज विजय की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज विजय पूछा है ना, तो रासो अगर पूछ लेते आपको तो रासो में क्या बताते आप लोग? रासो में सर छंद बद्ध ही बता देते हैं, है ना। पृथ्वीराज विजय में कौन थे? जयानक थे। कौन थे? जयानक भट्ट थे। और अगला सवाल है, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित में से त्यौहार मनाए जाते हैं, मास अनुसार व्यवस्थित करना है, प्रारंभ से अंत तक, छोटी तीज, गणगौर, आका तीज, कजली तीज। देखो यहाँ पे आपको राइट आंसर आपका क्या होगा? देखो बहुत अच्छा सवाल है, आप कहेंगे सर ऑप्शन ए होगा, ठीक है ऑप्शन ए होगा, क्योंकि गणगौर चैत्र मनाई जाती है तो शुरुआत गणगौर से हो जाएगी, बाकी तो गलत होगा। उसके बाद आका तीज वैशाख महीने मनाई जाती है, ठीक है, और उसके बाद आपका श्रावण होगा, श्रावण महीने में छोटी तीज मनाई जाती है, कजली तीज बड़ी भाद्रपद महीने में मनाई जाती है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये बेहतरीन सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है जिसका आंसर है, कालबेलिया औरतों का हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें छोटा चंग बजाया जाता है, तो राइट आंसर होगा बिछूड़ो। बिछूड़ो एक प्रकार का क्या है? लोकगीत है जहाँ पर जिसको गाने पर छोटा चंग बजाया जाता है दोस्तों, और काल बेलियाओं का है, हाड़ौती क्षेत्र का है। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकने की संभावना भी है। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से संबंधित है, जुड़ी हुई है? तो ये सवाल हमने इससे पहले भी पढ़ा था, है ना, दूसरी क्लास में पढ़ा था इस सीरीज में शायद। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए? बोले सर मांड गायकी है गौरी देवी, है ना, यस बहुत बढ़िया। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी, या फिर आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, पुनर्निर्मित करवाया था। पुनर्निर्मित किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, पुनर्निर्मित करवाया था महाराणा कुंभा ने। यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो साहब बात ऐसी है कि सबसे पहले इस अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया था परमारों ने। परमारों ने यहाँ पर अचलगढ़ नाम से, अचलेश्वर नाम से महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो परमारों ने निर्माण करवाया, फिर पुनर्निर्माण करवाया था हमारे महाराणा कुंभा साहब ने। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन, देखो कुंभा ने कब करवाया था? 1442 में करवाया था, और यहाँ पे चार पांच जैन मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे, चार मंदिर सॉरी पांच नहीं। अच्छा ये RAS एग्जाम में पूछा गया 2010 वाले पेपर में। गढ़ भींडली दुर्ग है दोस्तों, बताइए गढ़ भींडली दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, या तारागढ़ बूंदी, या रणथंबोर। देखो गढ़ भींडली दुर्ग कहा जाता है तारागढ़ अजमेर वाले को, इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, राजस्थान का हर्ट भी कहा जाता है इसे दोस्तों। देखो राजस्थान कह सकते हैं कि चाबी भी कहा जाता है, ठीक है, राजपूताने की चाबी भी कहा जा सकता है इस दुर्ग को। तो बहुत सारे नाम है इस दुर्ग के अगर बात करें तो, और इसका दोस्तों नाम करण कैसे हुआ गढ़ भींडली, तो मैं आपको बात बता दूं कि एक सेनापति थे शांजा के, जिसका नाम था बीठल दास राजपूत, ठीक है, उन्होंने इसका निर्माण नहीं पुनर्निर्माण करवाया था। हालांकि निर्माण तो तारागढ़ का उसने, है ना, अजय देव ने करवाया था जो अजमेर के शासक थे, ठीक है। अगला सवाल, ये भी 2006-07 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात के लेखक जो है ना वो कौन है? दयाल दास सिंधियाच है या श्यामल दास है? तो दोस्तों बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात जो है ना ये किसका है, ये आपको बताना है, बताइए।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों दयालदास ही होगा। बीकानेर राठौड़ और ख्याल के रचित ख्यात के रचयिता जो है दयालदास सिंधिया थे। ठीक है, ओके। ये आरपीएससी आरएएस एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। देखो श्यामल दास, कवि श्यामल दास जिन्हें कवि राज कहा गया, आप सभी को जानकारी है दोस्तों, है ना। ये सज्जन सिंह के दरबार में थे, कविराज श्यामल दास। कविराज की उपाधि भी दी गई इनको, महोपाध्याय की उपाधि भी दी गई है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। सूर्यमल मिश्रण, वही मिश्रण जिन्हें राजस्थान का राज्य कवि की उपाधि दी गई है दोस्तों, राज्य कवि की, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और नैन सिंह, मोनोत नैन सिंह जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, आपको याद हो तो। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। संत संप्रदाय से संबंधित कुछ क्वेश्चन होने वाले, 49 में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद, स्यायवाद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कूट करना है और देखना है कि कौन सा सही होगा। ये भी आर एस एग्जाम, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यस, हाँ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए। आप कहेंगे सर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, स्वस्तिवाद नहीं है इसमें, आएगा ये वाला। ठीक है, एक और चार, एक और चार, यानी स्यायवाद और अनेकांत अनेकांतवाद। क्लियर है। शून्यवाद दोस्तों बौद्धों की महायान शाखा से संबंधित है ना। और हम बात करें अनेकांतवाद, ये अपने जैन धर्म से संबंधित है। और स्यादवाद भी जैन धर्म से संबंधित है। सर्वास्तिवाद जो है बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है, उसका मत है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ था? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, दादू पंथ से संबंधित है दोस्तों ये सभी। ठीक है, देखो दादू दयाल जी का जन्म जो है ना 1544 ईस्वी में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ठीक है, और हम बात करें तो इनके शिष्य जो है 52 स्तंभ कहलाए, आपको याद हो तो। 52 महत्वपूर्ण जो मुख्य शिष्य थे वो 52 स्तंभ कहलाए। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे सुंदरदास जी है, रज्जब जी है, राघोदास जी है, माधोदास जी है, बहुत सारे इनके और भी शिष्य हुए। ठीक है, और इनके जो अनुयायी थे ना, वो अलग अलग फिर अलग अलग विभागों में बांटे गए थे। जैसे कि उनके भी एक अलग संप्रदाय बन गए थे, जैसे खालसा पंथ बन गए थे, है ना। खालसा पंथ, विरक्त पंथ, स्थानधारी, उत्तरादेव, है ना, खाकी, इस प्रकार के। अगला सवाल है, नारी संत दयाबाई शिष्या थी, किसकी शिष्या थी दोस्तों बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, संत चरणदास जी की शिष्या थी। और संत चरणदास जी जो है ना, मूल रूप से अलवर के निवासी थे, अपने राजस्थान में अलवर के निवासी थे, लेकिन इनका जो क्षेत्र था ना, वो अलवर के आसपास का संपूर्ण मेवात और दिल्ली तक इनका क्षेत्र लगता था। तो ऑप्शन बी आपका कार्य क्षेत्र काफ़ी लंबा छोड़ा था। अगला सवाल है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है, ये देखो आरएएस एग्जाम में पूछे गए सारे सवाल है। तो शाहपुरा में भैया रामसनेही संप्रदाय की पीठ है। रामसनेही संप्रदाय में रामचरण जी जो है इनके मुख्य हम कह सकते हैं संस्थापक है। हालांकि रामसनेही संप्रदाय की कुल चार पीठ है। देखो, एक तो रैण नागौर में है, एक सिंगथल बीकानेर में है ना, और एक खेड़ापा जोधपुर में भी है ना। तो ये कुल कितनी होगी? और एक शाहपुरा भीलवाड़ा में, एक रैण, दो सिंगथल, तीन खेड़ापा, चार। तो दोस्तों खेड़ापा में संस्थापक हुए थे रामचरण जी, याद रखना, बेहतरीन सवाल था। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत जो थे ना, वो कौन थे? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो बताइए दोस्तों, लालदास जी को लॉक कर दें क्या? हाँ जी सर। अच्छा, लालदास जी भी मेवात से संबंध रखते थे दोस्तों। मेवात में इन्होंने अपना मेवात को अपना कार्यस्थल बनाया इन्होंने। और इनकी जो पीठ है ना, पीठ है नगला जहाज में। नगला आपके पड़ता है भरतपुर में, मैं आपको बता दूं। नगला जहाज कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है दोस्तों। और याद रखना, इनके जो सर्वाधिक अनुयायी जो है ना, वो मेवात प्रदेश यानी अलवर और भरतपुर में ही देखने को मिलते हैं। आरएएस एग्जाम 2006-07 में ये सवाल पूछा गया। अगला सवाल एक बेहतरीन सवाल है दोस्तों, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में एक पजल टाइप आपको करना है, जोड़ना है दोस्तों। ठीक है, आरपीएससी पीसीएस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं हम इसको लॉक करेंगे। लालगढ़ दोस्तों, लालगढ़ कहाँ पे? बीकानेर में सर, 3 नंबर होगा। ठीक है,
त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में सर, चलिए चार करते हैं। गागरोन का किला सर झालावाड़ में, चलो एक करते हैं। और नाकोड़ा जो है ना सर, ये नाकोड़ा सर जो है ना, ये बाड़मेर में है, चलो। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम सभी लोग, है ना। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। लालगढ़ जो है ना, ये क्या है लालगढ़? आप किला भी कह सकते हैं या फिर हवेली कह सकते हैं। लालगढ़ कहाँ पे है? बीकानेर में है। त्रिपुर सुंदरी माता, जिन्हें तुरतई माता के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपुर सुंदरी माता पांचाल जाति की कुल देवी भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पर है? ये आपके हैं तलवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। गागरोन का किला दोस्तों, डोड परमारों ने जिसका निर्माण करवाया था, किसने? डोड परमारों ने जिसका निर्माण करवाया था, गागरोन। गागरोन का किला झालावाड़ में है, जो कि जलमग्न किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है, याद रखना, ठीक है। और नाकोड़ा, नाकोड़ा हम दोस्तों जैन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा और मंदिर है, तो ये भी आपको याद रखना है। बेहतरीन सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियानी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने अपनी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। उस मंदिर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, और दोस्तों ये अभी के ही एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है, और बेहतरीन सवाल है मैं कहूंगा आपको। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा तीजा मांझी का मंदिर, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और दोस्तों मारवाड़ के जो राजा, अभी हमने सवाल पढ़ा है कि मान सिंह की रानी प्रताप कुंवरी ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। इससे पूर्व भी इस मंदिर का निर्माण करा, लेकिन आंतरिक चट्टानों के कारण मतलब खिसक गया, जमीन में धंस गया था काफ़ी, इसीलिए इन्होंने दूसरा मंदिर का निर्माण करवाया। कुंज बिहारी मंदिर दोस्तों, कुंज बिहारी मंदिर भी जोधपुर में है वैसे, है ना। इसमें कृष्ण भगवान की जो महान भक्ति मीराबाई, मीराबाई का मंदिर है यहाँ पे, मतलब मीराबाई की मूर्ति है इसके अंदर, ठीक है। गुलाब राय ने इसका निर्माण करवाया था। माँ मंदिर भी दोस्तों आप सभी को पता है, माँ मंदिर अपने नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ये भी अपने जोधपुर में ही है। घनश्याम जी का मंदिर, ये भी जोधपुर में ही है ना। चलो साहब अगला सवाल देखो क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल कह रहा है कि राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? राजस्थान में कहाँ पर वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया? नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अजमेर में स्थापित किया गया था दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। और याद रखना, महर्षि दयानंद सरस्वती दोस्तों, ये अजमेर में इन्होंने अपना प्रकाश जो है ना, सत्यार्थ प्रकाश, उस ग्रंथ का प्रकाशन भी यहीं से किया था, आपको याद हो तो, 1875 में, ठीक है। अगला सवाल नंबर 57 कह रहा है कि राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यूएसपी नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, चिकित्सकीय पर्यटन में नहीं है, बाकी सभी में है। मेले, पैलेस ऑन व्हील्स, किले, महल, हवेलियाँ, है ना। और भी जैसे हमने बात करी, मेले, त्यौहार, पैलेस ऑन व्हील्स, हाँ, किले, महल, हवेलियाँ, ये सारे आ जाते हैं इसमें। आरएस एग्जाम में पूछा गया 2018 वाले में। अगला सवाल है सुमेलित, आपको करना है मंदिर और जिला, ठीक है। कितना आसान सा सवाल हो सकता है आपके लिए दोस्तों। कामेश्वर महादेव, पीपला माता, नीलकंठ और शीतलेश्वर। देखो साहब, कामेश्वर महादेव की बात करें तो कामेश्वर महादेव क्या पाली में है? जी हाँ सर, पाली में है। नंबर 4 सबसे पहले करेंगे, ओके सर, क्लियर। अब 4 इसमें भी आ रहा है, डी वाले में, 4 ए वाले में भी आ रहा है। अगर अगला बी वाला या फिर सी वाला है ना, इनमें से अगर कोई आप कर लेते हैं तो आपका ठीक हो जाएगा, सीधा सा आंसर। अब शीतलेश्वर की बात करें तो दोस्तों ये झालावाड़ में है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। काफ़ी प्राचीन मंदिर है दोस्तों, ये बहुत प्राचीन है, 600 700 ईस्वी का मंदिर है ये, ठीक है। तो ये शीतलेश्वर झालावाड़ कर लेंगे हम लोग, 4 3 कहीं पे आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है सर। चलो साहब लॉक कर दो। पीपला माता की बात करें जोधपुर में है, नीलकंठ महादेव की बात करें तो अलवर में है। ये हो गया आपका जल्दी से सॉल्यूशन, और ये पजल सॉल्व हो गई, ओके दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो बताइए दोस्तों, समिदेश्वर मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर या सत्यबीस देवरी। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन किसके साथ जाएंगे जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो सतबीस देवरी हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर सतबीस देवरी मंदिर जो है ना, ये आपके कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा, ठीक है।
तो इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसके साथ साथ हम और भी बात करें, तुलजा भवानी माता का मंदिर ये भी चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, और समिधेश्वर, ये सारे मंदिर वैसे चित्तौड़ में ही, आपको ये याद रखना है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, 27 जैन मंदिरों का समूह है यहाँ पे, सतबीस देवरी के नाम से जो प्रसिद्ध मंदिर है ना यहाँ पे। अगला सवाल है, राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य कौन सा है? राजस्थान का जो पर्यटन लोगो है ना, इसमें कौन सा वाक्य सम्मिलित है? जाने क्या दिख जाए, यानी ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं। और ये जो जाने क्या दिख जाए है ना, ये 2016 में चेंज किया गया था दोस्तों, याद रखना 2016 में, और 2008 में कलरफुल राजस्थान नाम रखा था 2008 में, ठीक है? चलो साहब, अगला सवाल है कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन जो है ना किया जाता है, आयोजन क्रम आपसे पूछा जा रहा है, तो आयोजन क्रम आप क्या बताएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, ये भैया आपके ऊपर है, बताओ। मरुत्सव जो है ना दोस्तों, जैसलमेर में, बिल्कुल सही। हाथी उत्सव जयपुर में है, ऊंट महोत्सव बीकानेर है, ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, सही बात है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, देखो देखो साहब, बात ऐसी है कि यहाँ पे देखो, मरु महोत्सव की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपके फरवरी महीने में मनाया जाता है मरु महोत्सव, ठीक है? हाथी महोत्सव की बात करें दोस्तों, तो ये आपके मार्च महीने में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव की बात करें तो जनवरी महीने में ये आयोजित होता है, और ग्रीष्म है जो, ये मई वाले महीने में। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम जनवरी करेंगे, यानी सी होगा, है ना, ऊंट महोत्सव। उसके बाद हम करेंगे फरवरी, तो मरु महोत्सव होगा, ए होगा। उसके बाद मार्च आएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट मई आ जाएगा, तो सी ए बी डी कहीं पे दिख रहा है, सी ए बी डी यहाँ पे ऑप्शन डी में दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कि सुमेलित आपको करना है, स्टोन पार्क है और इस साइड में इसके जिले हैं, तो कूट आपको करना है। देखो साहब, बात यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर नीचे की ओर चलेंगे। चलिए, स्टोन पार्क की बात करें दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करें, सूचना तकनीक की बात करें, या जापानीज पार्क। देखो, जापानीज पार्क की बात करें दोस्तों, डी में एक सही है क्या? डी में जो है एक सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखते हैं, डी में कहीं एक आ रहा है, दो जगह आ रहा है डी में एक, है ना? हाँ सर, चलो तो हम लोग लिख देते हैं पहले एक, सॉरी एक तो लास्ट में लिखा जाएगा, शुरुआत करते हैं यहाँ से। स्टोन पार्क दोस्तों धौलपुर में है, ठीक है? तो यहाँ पे चार लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये आपके बायोटेक्नोलॉजी है सीतापुरा जयपुर में, 4-3। उसके बाद ये जो आपका है ना सूचना तकनीकी, तो ये जयपुर जोधपुर में है दोस्तों, है ना, कोटा उदयपुर में, तो दो कर लेंगे, और उसके बाद ये कर लेंगे, 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी लोग। अगला सवाल है, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, बताइए? लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे है, यहाँ पे आयोजित होता है मेला भी, और तिलवाड़ा जो है ना दोस्तों, ये इस साइड का सबसे प्राचीन मेला माना जाता है, ठीक है? सबसे प्राचीन मेला जो है माना जाता है। मल्लिनाथ जी दोस्तों मारवाड़ के थे, राजपूत जाति से बिलोंग करते थे, और उगम जी भाटी के ये शिष्य थे। किसके थे? उगम जी भाटी के शिष्य थे, और इन्हीं के नाम से एक, जैसे बाड़मेर में मालानी जो क्षेत्र है ना, वो इन्हीं के नाम से पॉपुलर है। नगला जाज में दोस्तों देव बाबा का मंदिर है, और लाल दास जी भी है, अभी हमने पढ़ा देव बाबा और लाल दास जी का क्षेत्र है ये। सांथु गांव में वीर फत्ता जी का स्थान है, सांथु गांव में वीर फत्ता जी, है ना? और पांचोटा दोस्तों जालौर में किसका है? जलंधर नाथ जी, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है, बताइए? तो इनमें से छींक माता लोक देवी है, करणी माता भी है, आवरी माता भी है, हिडिम्बा माता दोस्तों नहीं सुना हमने, ठीक है? तो याद रखना, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा,
चीक माता की बात करें तो ये आपके जयपुर में है, करणी माता का मंदिर बीकानेर में है, आवरी माता दोस्तों राजसमंद में है, शीतला माता ऑप्शन ही नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, शीतला माता का मंदिर आपके जयपुर में, जोधपुर में भी है, जीण माता का मंदिर सीकर में है। ठीक है, तो बहुत सारे मंदिर जैसे जो लोक देवियों के हैं ये हमने बात करी। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, ये RAS एग्ज़ाम 2012 में सवाल पूछा गया था। 65 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में जन्मे एक उद्योगपति 1920 ईस्वी में सीवी रमन को इनके महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपये की सहायता जुटाई जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, उस समय की बात है। तो दोस्तों ये कौन थे बताइए, घनश्याम दास बिरला थे सर। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, ये देश के जाने माने उद्योगपति थे उस समय के। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पिलानी पिलानी में है ना संस्थान, उसके संस्थापक भी ये रहे हैं। ठीक है, तो आपने ऑप्शन डी को लॉक करा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, RPSC RAS एग्ज़ाम में ही पूछा गया सवाल है 2006-07 के पेपर में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए, बाड़ोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, बहुत ही शानदार सवाल है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बेसर शैली। दोस्तों देखो बेसर शैली की बात करें तो एक ये मिश्रित शैली है, कैसे, नागर शैली और द्रविड़ शैली के संयोजन से बनी हुई है ये वाली शैली। नागर और द्रविड़ से बनी हुई शैली कौन सी है, बेसर शैली है, ये याद रखना। दोस्तों बाड़ोली के मंदिर की बात करें तो ये अद्वितीय मंदिर वास्तुकला है और ये कोटा से 40 किलोमीटर दूर है, याद रखना। ठीक है, ओके सर याद रखेंगे, वेरी गुड। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जाम्बू जी के अनुयायी है। विश्नोई पंथ या फिर संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए वो जाम्बू जी पंवार थे दोस्तों, और इनके मतानुयायी जो हुए ना उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, यानी इनके अनुयायी जो हुए वो जाम्बू जी को विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों, जम्ब सागर है, याद रखना। ऑप्शन सी आप सभी का अलॉक हो जाएगा, 20 धन 9 बिश्नोई है ना, यस बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 29 नियमों के बारे में इनको बताया गया है। अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन करने के लिए PATA स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त है, तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों, वो हमारा राजस्थान राज्य है, ऑप्शन बी रंगीला राजस्थान। भारत का पहला राज्य राजस्थान है जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन करने के लिए PATA स्वर्ण पुरस्कार मिला हुआ है। RAS एग्जाम में पूछा गया 1999 2000 एग्जाम जो हुआ था। अगला सवाल है, जोधपुर के निकट ओसियों में मंदिरों का समूह जिसकी देन है वे, मतलब ओसियों में किसका मंदिर है ये आपसे सवाल किया जा रहा है। ओसिया मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, राजस्थान का कोणार्क भी कहा जाता है ना, राजस्थान का कोणार्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य मंदिर है दोस्तों, प्राचीन सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिहार वंश को लॉक करेंगे दोस्तों है ना। और ये जो मंदिर है ये 750 से लेकर 850 के बीच में बने हुए मंदिर है, ईस्वी सन के बने हुए मंदिर है, याद रखना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। देखो साहब बक्सा राम है, नंदराम भी है, जमुना दास भी है, लेकिन नानक राम नहीं है। नानक राम की बात करें तो किशनगढ़ शैली का है नानक राम। ठीक है, एक नानग राम है, नानग राम, दो सवाल बनते हैं नानक और नानग, तो नानग राम जरूर अलवर शैली के हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो भी था ना ये क्लियर हो गया होगा कि नानक राम किशनगढ़, नानक राम का किशनगढ़ होगा किशनगढ़ और नानग राम का हो जाएगा अलवर। ठीक है, तो अब आपको कन्फ्यूजन वाली तो कोई बात ही नहीं रहेगी, यस नो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 2018 में सवाल पूछा गया था। और अगला सवाल है, जमुना दास, छोटेलाल, बक्सा राम, नंदलाल चित्रकला की कौन सी शैली से संबंध रखते हैं, तो बताइए दोस्तों राइट आंसर अलवर कर ले क्या। यस सर, अभी आपने बात करी ना नंद राम या नंदलाल है ना, जमुना दास, बक्सा राम, छोटे लाल, एक नानग राम, नानग राम,
तो ये अलवर शैली से संबंध रखते हैं दोस्तों। किससे? अलवर शैली से संबंध रखते हैं। और याद रखना दोस्तों, अलवर शैली का विकास किससे हुआ है या फिर किसकी उपशैली है ये, तो याद रखना जयपुर की उपशैली है। किसकी? जयपुर की उपशैली है। जयपुर से ही अलवर ने बहुत कुछ सीखा चित्रकला के मामले में, चित्रकला की दुनिया में। अगला सवाल नंबर 72 कह रहा है कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सूरत खाना। देखिए दोस्तों, जयपुर में एक सूरत खाना का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, और इस सूरत खाने में कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाया करते थे, है ना? यस यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, ये RAS एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल था। बनी ठनी किस चित्रकला शैली से संबंधित थी? बताइए दोस्तों, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो किशनगढ़ हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया दोस्तों, बनी ठनी कह लो या फिर राधा कृष्ण कह लो, ठीक है, निहाल चंद्र इस शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार हुए, है ना, और मोरध्वज भी हुए। तो ये जो चित्रकला है ना दोस्तों, नारी सौंदर्यता के लिए प्रभावित हुई और वैष्णव संप्रदाय से भी काफ़ी प्रभावित हुई है ये, ठीक है। और किशनगढ़ राज्य की नींव की बात करें दोस्तों, राठौड़ वंश के किशन सिंह जो थे, जिन्होंने 1609 में इसकी नींव डाली थी किशनगढ़ राज्य की, और यहाँ के राजा सावन सिंह हुए थे, जिनका नाम नागरीदास बाद में रख दिया गया था, वैराग्य इनको प्राप्त हो गया था। तो इनके समय में ये चित्रकला जो है ना, ये चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, ठीक है। अगला सवाल देखो, अजरक, अजरक प्रिंट का संबंध है, बताइए दोस्तों अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? तो अजरक प्रिंट का संबंध ऑप्शन डी हो जाएगा, बाड़मेर से है। ये देखो, रंगाई छपाई के कार्यों के लिए ये मानी जाती है, और ये कार्य कौन करते हैं? पुरुष और स्त्रियां ही करती हैं बंधाई के कार्य, ठीक है। तो अजरक प्रिंट दोस्तों बाड़मेर है, ठीक है, और जाजम कहाँ की है? जाजम प्रिंट आपके चित्तौड़ की है, याद रखना, ठीक है। और सांगानेर जो प्रिंट है वो कहाँ की है? वो आपके जयपुर की है, याद रखना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, 6-7 RAS एग्जाम में पूछा गया सवाल था। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र दोस्तों कौन सा है? तो याद रखना, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बूंदी को, ठीक है। राजपूत कला या फिर हिंदू चित्र शैली राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक दोस्तों मानी जाती है वैसे परंपरा, ठीक है। तो इसकी जो प्रारंभिक राजस्थानी की बात करें कि भी राजस्थानी कहाँ से शुरू हुई, तो याद रखना बूंदी से शुरू होती है, ठीक है। सॉरी, मेवाड़ तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, हालांकि मेवाड़ था, है ना, हालांकि शुरुआत तो मेवाड़ से थी, मेवाड़ चित्रकलाओं की जननी कहा जाता है मेवाड़ को, लेकिन दोस्तों मेवाड़ ऑप्शन में नहीं है, तो आपको बूंदी करना पड़ेगा, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र भी मेवाड़ के बाद में कम नहीं था, ये भी अपने वैभव प्राप्ति में था। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो सीधी सी बात है, ब्लू पॉटरी दोस्तों, ब्लू पॉटरी के लिए कृपाल सिंह शेखावत हस्तशिल्पी थे, है ना। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ये पर्शिया से आई थी, है ना, पर्शिया से आई थी ये, पर्शिया से इसका उद्भव हुआ था, पर्शिया से अपने देखो मुगल बादशाहों के समय यहाँ भारत में आई थी, और भारत में जब जयपुर में प्रचलित हुई थी, उस समय जयपुर के राजा थे महाराजा सवाई जय सिंह, याद रखना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, एक और है, कागजों के लिए जो है ना, कागजों के लिए जो मानी जाती है वो अलवर की मानी जाती है, याद रखना, ठीक है। और ब्लैक पॉटरी की बात करें तो ब्लैक पॉटरी आपके कोटा की प्रसिद्ध है, कागजी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध है, सफ़ेद पॉटरी पोखरण की प्रसिद्ध है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की चपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। देखो साहब, बात ऐसी है, सांगानेर भी है इसमें शामिल, पाली भी है, ठीक है, पिंपाड़ भी है, और एक कोटा भी है। ये नगर बेल बूटों की पारंपरिक चपाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना, और इसमें सबसे जो पॉपुलर है, सबसे प्रसिद्ध जो है वो है सांगानेर चपाई प्रेस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है,
और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनवाए थे? उस्ताद दोस्तों कहाँ पर पॉपुलर हुए? बोले सर बीकानेर में हुए। चलो ऑप्शन डी को लॉक करें। ये उस्ताद कहाँ से आए थे दोस्तों? ये मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, मतलब ये उस्ताद जो थे ना, ये मुस्लिम धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन इन्होंने जो भी चित्रण किया ना, वो हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया स्थानीय रूप से, यूँ नहीं कि भाई कभी कभी, नहीं, स्थायी रूप से किया। तो बीकानेर ये आए कहाँ से थे? ये दिल्ली से आए थे। और उस्ताद कला बीकानेर की बड़ी प्रसिद्ध, आप सभी को जानकारी होगी, है ना। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? वैभव और पराकाष्ठा पर पहुंची थी। तो दोस्तों याद रखना, 79 आप सभी को पुकार रहा है कि ऑप्शन बी को लॉक कर दो, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय। ठीक है, देखो हालांकि गीत गोविंद पर टीका जो लिखी गई थी, कुंभा के समय लिखी गई थी, गीत गोविंद जो टीका लिखी गई थी जो है ना, लेकिन याद रखना कि जो चरम सीमा पर पहुंची थी जो ये चित्रकला, वो अमर सिंह के समय पहुंची थी। और मेवाड़ जो है ना, ये सबसे प्राचीन चित्रकला है, सबसे प्राचीन भारत राज्य की सबसे प्राचीन चित्रकला मेवाड़ है। अगला सवाल है दोस्तों, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ सुमेलित करना है और दिए गए कूट को सही उत्तर के साथ चुनना है। तो देखो त्यौहार दे रखा है और वापस उत्सव की तारीख भी दे रखी है, तो हम इसमें किसको लॉक करेंगे ये आप बताओ हमें, है ना। तो त्यौहार दोस्तों, बूंदी की कजली तीज, बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है क्या? है ना, बिल्कुल मनाई जाती है। होली की बात करें दोस्तों, तो होली आपके फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। गणगौर की बात करें तो गणगौर आपके पर्युषण पर्व बात करते हैं, पहले भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, गणगौर की बात करें तो ये चैत्र महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों जहाँ पर ऑप्शन यूँ हो कि एक है, फिर है जो दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा, अगर हम बात करें यूँ ही, तो ये आपका ऑप्शन कहाँ पे मिल सकता है? ऐसे में ऑप्शन 1 2 3 4 ये पहले में ही मिल रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ज़्यादा समय खराब ना हुआ हमारा, है ना दोस्तों। चलिए तो देखो, बूंदी की कजली तीज की बात करें ना दोस्तों, तो इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ठीक है, और बूंदी की तीज बड़ी प्रसिद्ध भी है। ओके क्लियर है। अच्छा हम बात करें होली की, तो दोस्तों होली जो है ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है, लगभग मार्च महीने में ये आयोजित होता है, लगभग, है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। और पर्युषण पर्व की बात करें दोस्तों, तो जैन धर्म का ये दोस्तों पर्व है और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में ये मतलब मनाया जाता है। पर्युषण पर्व कोई 2 दिन या 4 दिन का नहीं, काफ़ी दिनों का होता है, मेरे ख्याल से 7 से 15 दिनों का होता है, ठीक है। और गणगौर जो है दोस्तों, आप सभी को बताएं कि 2 सप्ताह तक चलने वाला गणगौर जो है, ये गौरी और भगवान शिव की पूजा होती है, देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है, और ये भाद्रपद महीने में नहीं, चैत्र महीने में मनाया जाता है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका नाथद्वारा दोस्तों, ठीक है। और नाथद्वारा जो है ना, ये कहाँ पे पड़ता है? हमारे राजसमंद में पड़ता है, याद रखना। ये मतलब है ना, हम कहें तो देखो प्रेम आस्था है ना, पारंपरिक सौहार्द का सबसे बड़ा त्यौहार है ये। ये भी आपके RS एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है, बताइए दोस्तों 82 में राइट आंसर क्या होगा? मेड़ता, गोट मांगलोद, परबसर, नागौर। परबसर प्रॉपर दे रखिए ना, मैंने आपको कई बार बताया जब जगह प्रॉपर देना तो आपको वही ऑप्शन करना होगा, हालांकि परबसर है नागौर में, पर परबसर दे दिया ना ऑप्शन में, ठीक है। तो तेजाजी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन सर्वाधिक राजस्थान में, ठीक है। इनका जन्म की बात करें दोस्तों, खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, इनके पिताजी का नाम तारड़ जी था, ठीक है। और तेजा जी का मेला जो है ना, ये परबसर नागौर में आयोजित होता है,
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा कि राजस्थान में, सॉरी इसका आंसर देखते पहले, निम्न में ऐसे गलत युग्म को पहचाना, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है। दोस्तों बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है, क्या माघ महीने में? सही बात है। बताओ बादशाह का मेला ये ब्यावर में आयोजित होता है, बिल्कुल सही बात है, बादशाह की सवारी जहाँ की प्रसिद्ध है। और मरु महोत्सव बाड़मेर में, ये दोस्तों गलत बात है, मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है और फरवरी महीने में आयोजित होता है। कौन से महीने में? फरवरी महीने में, बहुत बढ़िया। और गोतमेश्वर बाबा का मेला सिरोही में होता है, ये चोटीला गांव में होता है, चोटीला। और एक इन्हीं गोतमेश्वर बाबा का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में भी आयोजित होता है, अरनोद प्रतापगढ़ में भी आयोजित होता है, जिसको कहा जाता है लकी मेला। ठीक है, तो याद रखेंगे ये अप्रैल महीने में आयोजित होता है। दोस्तों ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा, जिन्हें भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ना दोस्तों? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेला सबसे ज़्यादा जिस जिले में लगते हैं वह है, वह कौन सा जिला है? तो सीधी सी बात है, नागौर है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। देखो यहाँ पे मानासर पशु मेला लगता है, ठीक है, और हम बात करें तो परबसर पशु मेला लगता है, सारे कार्तिक महीने में ही भरते हैं, और रामदेव पशु मेला लगता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। हालांकि सबसे प्राचीन जो है वो बाड़मेर तेलवाड़ा में भरता है। हाड़ौती के सबसे प्राचीन की बात करें तो गोमती सागर पशु मेला भरता है, हाड़ौती का सबसे प्राचीन जिसे कह सकते हैं। ठीक है, नागौर का मैंने आपको बता दिया, अगला सवाल है। और हनुमानगढ़ में नोहर पशु मेला भी है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला जो है दोस्तों ये आपके अक्टूबर नवंबर, देखो हम बात करें तो कार्तिक महीने में आयोजित होता है ना, कार्तिक महीने में 15 से 15 दिन लगभग होता है ये। लेकिन 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 यहाँ पे आपसे ये वाले महीने दिए हैं इंग्लिश वाले, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, लगभग नवंबर महीने में आयोजित होता है। इसको तीर्थों का राजा कहा जाता है पुष्कर को, और पुष्कर में तीर्थराज जो है ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, एकमात्र जिन्हें कह सकते हैं एकमात्र पूर्ण मंदिर। वैसे राजस्थान में 3 मंदिर है इसके, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर और भी है, जैसे है ना देखो सावित्री जी का मंदिर, गायत्री जी का मंदिर, श्री रंग जी मंदिर है ना, बहुत सारे मंदिर। अगला सवाल है, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा क्षेत्र है? दोस्तों बताइए, तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर को लॉक करेंगे। नौटंकी जो है ना दोस्तों ये वैसे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, लेकिन हमारी सीमा भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश के पास होने के कारण, यानी उत्तर प्रदेश के निकट होने के कारण भरतपुर में भी नौटंकी प्रसिद्ध है। और नौटंकी की बात करें दोस्तों तो ये उन सभी जिलों में जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली है ना, अलवर, सभी सवाई माधोपुर उस साइड में ये बहुत लोकप्रिय है। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल है कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या होता है? दोस्तों ये अभी ही का सवाल है, पीसीएस एग्जाम 2021 में पूछा गया है। आणो, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, नहीं, उस समय जला गीत गाया जाता है, ये वैसे जब ऐसा होता है ना तो जला नामक गीत गाया जाता है, ये सवाल भी अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। कुआ पूजा, नहीं, विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ये बात ठीक है, आणो है ना, आने आना है ना, तो दोस्तों वापस पुनः लड़के के द्वारा दुल्हन को या फिर वर के द्वारा वधू को लाने जाना है ना। चलो तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, क्षेत्रपाल राज्य की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल या फिर हम कहते हैं खेतपाल जी, कहते हैं कि नहीं? खेतपाल जी, तो वो क्षेत्रपाल या खेतपाल जो है ये एक उपासक के रूप में या ग्राम देवता के रूप में माने जाते हैं, तो दोस्तों ये ग्राम देवता के रूप में इनको जो मिली हुई है मान्यता, ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और ये सवाल जिसका आंसर जल्दी से दीजिएगा, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, श्रावण महीने में मनाया जाता है, जैसे छोटी तीज का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है, और
इस त्यौहार को राजस्थान के जो सीमावर्ती राज्य है ना, जैसे हरियाणा या मध्य प्रदेश वगैरह है, इसके कुछ भागों में मनाया जाता है श्रावण महीने में। बाकी भाद्रपद महीने में हम लोग मनाते ही हैं, है ना, जैसे कजली तीज कहा जाता है, सातुड़ी तीज कहा जाता है, बूढ़ी तीज कहा जाता है, बड़ी तीज कहा जाता है। बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है। देखिए, बालुका स्तूपों का प्रकार कौन सा नहीं है दोस्तों? देखो, पैराबोलिक जो है ना, ये बालुका स्तूप है। रेखीय, रेखीय भी बालुका स्तूप है, और बरखान भी बालुका स्तूप है। इंसलबर्ग की बात करें दोस्तों, इंसलबर्ग एक मरुस्थल का प्रकार है ना, मरुस्थल का प्रकार है, याद रखना, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और एक जैसे इंसलबर्ग एक इर्ग है ना, इर्ग जैसे चट्टानी मरुस्थल को कहा जाता है इंसलबर्ग। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंश दायी कारण कौन सा है इनमें से? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। देखो, दृष्टि, चया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, मानसून, भारतीय मानसून का प्रक्रिया क्षेत्र, अरावली पर्वतश्रेणी की स्थिति। तो यूँ कह सकते हैं दोस्तों, तो एक दो और चार, एक दो चार, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। देखो, एक दृष्टि चाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, और अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, अरावली पर्वत की स्थिति। अगला सवाल है, राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ एंटी सोल समूह की मृदा पाई जाती है। एंटी सोल समूह की मृदा पाई जाती है। देखो, एरिडी सोल से, एंटी सोल से, है ना, इस प्रकार की जो मृदा है, जैसे वर्टी सोल से, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन भी हो जाएगा, पश्चिमी। एंटीसोल समूह की मृदा पश्चिमी राजस्थान में ही पाई जाती है। अगला सवाल एक बेहतरीन सवाल है, जैसमंद झील के बारे में सत्य कथन आपको ढूंढना है। इसका निर्माण गोमती नदी के किनारे बांध बना के कराया गया था, ठीक है, और इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा हमें एकदम क्लियरली सही लग रहा है। तो एक और दो, दो तो है ही नहीं इसमें ऑप्शन, यानी एक वे दो सही है, ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं इसमें। ऑप्शन में ये है कि एक, दो और तीन, ये सभी जो है हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, या तो ये दे सकते थे। बहुत सारे सवाल लगा सकते थे कि भाई राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, प्राकृतिक मीठे पानी की झील, या प्राकृतिक दूसरी झील, है ना। हालांकि प्राकृतिक झील बड़ी तो उसको माना जाता है ना, जो नक्की झील है। चलिए, यहाँ पे आपने ऑप्शन सी को चुना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्रीय अंश और राज्यांश का अनुपात क्या है, यानी केंद्रीय अंश क्या है और राज्यांश क्या है राज्य कृषि सिंचाई योजना में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60-40। 60 है केंद्र का और 40 है राज्य का, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, जिलों का वह समूह जहाँ खस उत्पादित होती है। खस होता है क्या है दोस्तों? खस एक प्रकार की घास है, और ये भी सुगंधित घास है, याद रखना दोस्तों। कैसी है? सुगंधित घास है। तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। तो 6 का आपका राइट आंसर होगा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक को लॉक करेंगे, कोटा भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन कौन से स्थित है दोस्तों? यहाँ पे मतलब स्थित है महत्वपूर्ण लिग्नाइट, कपूरी है ना, मेड़ता है, पलाना है, सर है तो सही, चलिए बहुत बढ़िया, कपूरी है, मेड़ता है, पलाना है। तो दोस्तों याद रखना, कपूरी आपके बाड़मेर में है ना, पलाना आपके बीकानेर में, मेड़ता आपके नागौर में, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल है, कोटा, बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत वह अभयारण्य जहाँ घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। कोटा, बूंदी और चित्तौड़ तीनों में स्थित है। देखो, शेरगढ़ की बात करें ये तो 12 में है भैया, रामगढ़ विषधारी की बात करें तो ये भी आपके 12 में है, ठीक है। जवाहर सागर की बात करें तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे आप लोग, क्लियर है ना दोस्तों? बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। कोटा, बूंदी और चित्तौड़ का ये एक संयुक्त रूप से विस्तृत अभयारण्य है, और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है,
जवार सागर। यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य निम्न में से किस पशु संपदा में प्रथम स्थान पर है? ऊंट में प्रथम है, या मवेशी में है, या भैंसों में है, या फिर भेड़ों में? दोस्तों सर्वाधिक ऊंटों की बात करें बीकानेर और जैसलमेर में है ऊंट, और है ना, और सर्वाधिक भैंसों की बात करें जयपुर और अलवर साइड में है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन ए होगा, ऊंट जो है ना ऑल इंडिया में राजस्थान प्रथम नंबर पे, जैसे नाचना का ऊंट है दोस्तों, ठीक है, और बाकी बीकानेरी ऊंट है, खींचर में भी ऊंट है दोस्तों, यानी फलोदी में, ये नस्लें हैं ऊंटों की। अगला सवाल है, राजस्थान में अकाल और सूखे का कारण क्या है? राजस्थान में अकाल और सूखे का कारण जलवायु की विषमता है, वर्षा की कमी भी है, अरावली श्रृंखला की स्थिति है, क्योंकि ये समांतर है दोस्तों, जलवायु के समांतर है, इसीलिए जो है इस साइड बरसात अधिक होती है, इस साइड अरावली के कम होती है, कम अधिक, पूर्वी साइड में अधिक होती है और पश्चिमी साइड में कम होती है। अगर यूं ही अरावली यहाँ पे होती, यूं होती अरावली, तो यह जो अरावली से टकरा कर यहाँ पे बरसात हो जाती, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, राज्य के किस जिले में अभ्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राज्य के किस जिले में अभ्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताइए दोस्तों। आप कहेंगे सर भीलवाड़ा में अभ्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है, भीलवाड़ा के साथ में एक जयपुर को भी ऐड कर सकते हैं, एक आप भीलवाड़ा के साथ में अजमेर को भी ऐड कर सकते हैं, ये एक बेहतरीन सवाल है दोस्तों, याद रखना। राज्य के राजमार्ग मुख्य जिला सड़कों के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए, चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हरित सड़क योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो ये मनरेगा के तहत किया जा रहा है और चल भी रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासक के सिक्के जारी हुए जिन्हें क्या कहा जाता था? अकबर की चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में, तो बताओ देखो कौन सा होगा राइट आंसर आपका। सिक्का एल ची, सिक्का एलची, जैसे हम लोग यूँ कह सकते हैं, मेवाड़ में चलाया गया था, किसने? अकबर के द्वारा चलाया गया था। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कई बार। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में सही सुमेलित करना है दोस्तों, और बताइए। माणिक लाल वर्मा, पंडित हीरा लाल शास्त्री, सागर मल गोपाल, स्वामी गोपाल दास। देखो साहब बात ऐसी है, आपको मैंने कई बार बताया कि आपको पहले वो करना है जो आपको आ रहा हो। जैसे मुझे आ रहा है सागरमल गोपा जैसलमेर का गुंडा राज लिखा था, तो यहाँ पे देखो भैया कि सी में दो कहाँ पे आ रहे हैं, सी में दो कहाँ पे आ रहे हैं, सी में दो केवल एक में ही आ रहे हैं, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। यस, माणिकलाल वर्मा फिर आ जाएगा आपका 4 नंबर पर, मेवाड़ का वर्तमान शासन, ठीक है, हीरालाल शास्त्री, प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये दोनों इसी इन्हीं की है, सागरमल गोपा हो गया, और स्वामी गोपाल दास की बात करें तो बीकानेर का प्रशासन। बहुत बढ़िया दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, और स्वामी गोपाल दास षड्यंत्र में भी वो शामिल हुए थे। अगला सवाल है, राठौर शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? राठौड़, ये दो दोस्तों राजस्थान में राठौड़ों ने एक तो जोधपुर में शासन किया, बीकानेर में शासन किया, किशनगढ़ में शासन किया, और आखिर में एक मेड़ता पर भी शासन हुआ था, लेकिन तब तक स्वतंत्रता मिल चुकी थी हमें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रकूट शब्द से एक जाति सी, मतलब माना जाता है कि दक्षिण की एक एक राष्ट्रकूट नाम से एक जाति थी, उसी से ये शब्द बना है राठौड़। 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाली चावनिया निम्न में से कौन सी थी? तो देखो नसीराबाद ब्यावर थी, देवली ब्यावर चावनी थी, देवली और खैरवाड़ा भी थी, ब्यावर और खैरवाड़ा चावनी नहीं थी, देखो चावनी थी लेकिन भाग लेने वाली नहीं थी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल है, निम्न में ऐसे सुमेलित आपको करना है, और एक बार देखो करके देखो क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, जो आपको आ रहा है वो पहले करके देखो कि वो सही से सुमेलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जैसे मारवाड़ सेवा संघ लेते हैं, कि मारवाड़ सेवा संघ यहाँ पे कौन आया था? मारवाड़ सेवा संघ में चांदमल सुराणा थे, जो तोल आंदोलन, माप तोल आंदोलन से भी संबंधित थे, ठीक है, तो हमने ये करा, तो यहाँ पे भी ये आ रहा है, यहाँ पे भी ये आ रहा है,
अब उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो वर्धमान विद्यालय है ना, सबसे पहले जन जागृति का काम, चेतना का काम अर्जुन लाल सेठ ही ने करा था पूरे राजस्थान में, तो वर्धमान विद्यालय भी इन्हीं के द्वारा खोला गया। तो चार देखो, चार इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, तो ये हमारा एक सही है ना, परफेक्ट, तो एक ये सही है ना, लेकिन यहाँ पे ये चार नहीं आना आना चार आना चाहिए, चार भी हमारा परफेक्ट है, दो परफेक्ट है ना, तो फिर आप इसको रिमूव करेंगे, बाकी ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाएंगे और ये आपका सही हो जाएगा ना। हिंदी साहित्य समिति जगन्नाथ अधिकारी जो भरतपुर से संबंध रखते थे, हरिजन सेवा समिति की बात करें भोगीलाल पांड्या, सही बात है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको करने हैं सवाल। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता, दोस्तों बताइए, राजस्थानी भाषा के उत्पत्ति काल की बात करें तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है, ठीक है, 12वीं से शुरू ही माना जाता है, यूँ समझ लो। शिशुपाल वध का लेखक है, दोस्तों बताइए, शिशुपाल वध का लेखक है, तो राइट आंसर होगा शिशुपाल वध का लेखक है महाकवि माघ, है ना, महाकवि माघ जो कहाँ के थे, बीनमाल के थे, महाकवि माघ जिन्हें कहा गया है, बूंदी के सूर्यमल मिश्रण जिन्हें राजस्थान का राज्य कवि का दर्जा दिया गया है, अजमेर का चंद्र बदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रास को लिखा था, जोधपुर का मूढ़नारायण सिंह जिन्होंने मारवाड़ परगनारी विगत और ये लिखा था, है ना, चले इन्हें अकबर भी कहा जाता, अकबर नहीं अबुल फजल भी कहा जाता है। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन जो है हिंदू त्यौहारों के बारे में सही है, बताओ, ये त्यौहार है हिंदू त्यौहार है और इनके बारे में सही कौन सा है। अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है, सही बात है ना, ये तो सही बात है, अच्छा सही है, निर्जला एकादशी की बात करें तो ज्येष्ठ अमावस्या के शुक्ल पक्ष को, ये दोनों सही है दोस्तों, अक्षय तृतीया यहाँ पे ये गलत हो जाएगी अगर ऊपर वाले सही है, और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह में मनाई जाती, तो एक और दो सही है, यानी ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है, और ये बहुत आसान सा सवाल भी था आपके लिए। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला भक्ति युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण जैसे मतलब जैसे भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, हरजस। दोस्तों हरजस वैसे वो अपने स्थानीय लोक देवताओं के भी करते हैं, देवताओं के भी करते हैं, तो यहाँ पे आपका लोक देवी देवताओं के स्थानीय भजन जो महिलाओं द्वारा भक्तियुक्त भजन किए जाते हैं उन्हें हरजस ही कहा जाता है, याद रखियो। और अगला सवाल है, वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम स्थल राजस्थानी राजस्थान माना जाता, बताइए दोस्तों क्या होगा, बताओ देखो, और शास्त्र नृत्य जिसका उद्गम राजस्थान ही माना जाता है, तो कथक हो जाएगा, है ना, कर दे क्या कथक को लॉक, सर कथक को लॉक करना पड़ेगा, अभी तो यूपी वगैरह में भी फेमस है काफ़ी। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम फारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, देखो राजस्थान में पहला पारसी या फारसी थिएटर लगा था और जिसे रंगमंच कह सकते हैं आप लोग, तो इसकी स्थापना जो है महाराजा राम सिंह द्वितीय ने करवाई थी, और कब की बात है, 1878 की बात है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बढ़िया। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सवाई माधोपुर दौसा और करौली क्षेत्र में प्रचलित ख्याल कौन सी है, देखो सवाई माधोपुर दौसा करौली क्षेत्र, ये क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र राजस्थान के, और यहाँ पे कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है, कुछ अमन ही नहीं होगा दोस्तों, तुरा कलंगी हो जाएगा ना, सर तुरा कलंगी भी नहीं होगा, हेला ख्याल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो दोस्तों कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, जहाँ के लच्छीराम हुए हैं प्रवर्तक, ये आपको बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगला सवाल है कि निम्न में से सहरिया जनजाति के नृत्य नहीं है, निम्नलिखित में से सहरिया जनजाति के नृत्य नहीं है, बताइए क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, देखो झेला लहंगी इंद्रपुरी नेजा, तो नेजा जो है ना दोस्तों ये भीलों का नृत्य है, याद रखना नेजा भीलों का नृत्य है, याद रखना इम्पोर्टेंट सवाल है, और भीलों के और भी है जैसे नेहा है ना, नेहा गेंग युद्ध करती घूम रही है, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, आपको याद हो तो कई बार आपको बताया भी है, युद्ध करती घूम रही है ना,
जैसे घूमर है, युद्ध है, और गैरिया है, गौरी है, और बाकी ये मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा वैसे मैं बताते चलूँगा, ठीक है। गोगा जी के गुरु कौन थे दोस्तों, बताइए। गोगा जी के गुरु की बात करें तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखनाथ जी थे गोगा जी के गुरु, ठीक है, बहुत बढ़िया। और गोगा जी दोस्तों, गोगा जी की बात करें, गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू में हुआ था, सभी को पता है ददरेवा चुरू में। तो गोगा जी से संबंधित दो स्थल जो है पूजनीय है, एक तो ददरेवा चुरू है और एक नोहर भरतपुर है, सॉरी नव मारा है, नोहर हनुमानगढ़ है, ठीक है, ओके, याद रखेंगे। भाद्रपद महीने में इनका मेला भी आयोजित होता है। खींची जाति की कुल देवी भक्त जिनके मंदिर को दरगाह कहते हैं, खींची जाति की कुल देवी जिनके मंदिर को भक्त जो लोग हैं वो दरगाह कहते हैं, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा आई माता। दोस्तों ये खींची देर का, यहाँ पे बाकी आप यहाँ पे सिरवी पढ़ेंगे आप लोग, सिरवी जाति की कुल देवी, ठीक है, ओके, क्लियर है। देखिए दोस्तों आई माता का मंदिर कहाँ पर है, बिलाड़ा में है, बिलाड़ा माता भी इन्हें कहा जाता है, बिलाड़ा जोधपुर में है, याद रखना। जीर्ण माता का मंदिर सीकर में है दोस्तों, याद रखना, हर्ष की पहाड़ियों में। शीतला माता का मंदिर जयपुर में है और जोधपुर में भी है, याद रखना, कागा में जहाँ पर मेला आयोजित होता है। और केला देवी माता का मंदिर करौली में स्थित है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, जिन्हें अंजना देवी भी कहा जाता है। अगला सवाल है निम्न में से सुमेलित आपको करना है, फिर से मैंने आपको क्या बताया कि वो ही करो जो आपको आ रहा है, आपको कौन सा आ रहा है। कई बार हमने पढ़ा कि रामसनेही संप्रदाय की पीठ जो है ना वो शाहपुरा में है, ठीक है साहब, सी में दो कहाँ पे आ रहा है, सी में दो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब एक चीज़ है कि दादू पंथ के बारे में भी कई बार पढ़ा, अगर पहले से निकल जाए तो ठीक है, अगर एक के बाद अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप बहुत कम शांत रहेंगे कि आप कर पाएंगे, नहीं, ठीक है, तो दो तो आने ही चाहिए। दादू पंथ की बात करें, नारायणा है तो पहले में चार है, पहले में चार यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है, पर कंफर्म होने चाहिए हम लोग, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बाकी कट जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वल्लभ संप्रदाय नाथ द्वारा राजसमंद है, निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर है, कोई से भी दो आने चाहिए, आपको काम बन जाएगा आपका, है ना। निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है, वन स्तंभ, वनों का स्तंभ भी कहा जाता है, वनों का घर भी कहा जाता है ना, ओके दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रणकपुर के जैन मंदिर। निर्माण निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, धरणक शाह ने, धरणक शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ये थे वित्त मंत्री साहेब, वित्त मंत्री थे कुंभा के समय, ठीक है, कुंभा के समय। और यहाँ पे जो थे ना शिल्पी वो थे दीपा, दीपक या दीपा, ठीक है। बिनोटा क्या है दोस्तों, एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि भाई बिनोटा क्या है, तो दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है, ठीक है, याद रख पाओगे, यस सर। निम्न में से असत्य क्या है, कुंभलगढ़ के किले के निर्माण की जब बात करी जाए 1448 से 1458 के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, कुंभल देवी के मतलब कुंभल देवी के कहने पर, यानी कि वो कुंभा की पत्नी थी। मेहरानगढ़ का किला राव जोधा ने 1959, ये गलत बात है। नाहरगढ़ का किला मानसिंह प्रथम 1614, ये सही बात है। यहाँ पे है ना, सही बात नहीं है ये भी, नाहरगढ़ का किला मानसिंह प्रथम, ये गलत है, ठीक है। जूनागढ़ का किला महाराजा राय सिंह 1589 से 1594 के बीच, ये सही है, ये दोनों गलत है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों गलत है, दो और तीन दोनों के दोनों गलत है यहाँ पे, याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है गलियाकोट के बारे में सही कथन बताइए, ये डूंगरपुर जिले में माई नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, यहाँ संत फखरुद्दीन की दरगाह है, तो तीनों सत्य है क्या, लग तो रहा है सर, बहुत बढ़िया, तीनों के तीनों सत्य हैं, ऑप्शन सी को आपने लॉक कर दिया है, बेहतरीन सवाल भी है। और अगला सवाल है मारवाड़ में दामणी क्या है, और एग्जाम में सवाल कई मरतबा ही पूछा गया है, बताओ मारवाड़ में दामणी क्या है, तो एक राजस्व कर है राजस्थान में दामणी, सॉरी राजस्व कर कैसे आ रहा है,
कलात्मक जूतियाँ हैं दोस्तों, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक है। दामनी जूतियों को कहा जाता है, जूती को दामनी कहा जाता है। शारदा एक्ट का संबंध दोस्तों बताना है आपको, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से या विधवा पुनर्विवाह से बताओ। आप कहेंगे सर बाल विवाह से है, शारदा हर विलास, शारदा कहाँ से थे, अजमेर थे, अजमेर से थे। इन्होंने भरपूर प्रयास किए थे और इन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह पर जो है रोक लगी थी, बाल विवाह एक्ट बना था इन्होंने, इनके नाम से शारदा एक्ट बना था। चलिए इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों और फिर हम लोग क्लास को फिनिश करते हैं। क्या बताएं आपको कि आपको जो आ रहा वही करें। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के समय लगा था, यानी उस समय राज्यपाल कौन थे। दूसरी बार लगा था डेढ़ देर की, बहुत आसान हो चुका है आपके लिए, बहुत आसान। पहला जो लगा था 1967 में, तो क्या संपूर्णानंद थे, डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह थे कि नहीं, ये आपको बताना है। सर पहले में तीन तो आएगा, चलो पहले में तीन आ जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी बार 1977 में, उस समय भी वेदपाल त्यागी बने थे, 1977 में उस समय राज्यपाल थे, तब लगा था। राजस्थान में अब तक चार बार आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तीसरी बार की बात करें तो दोस्तों बताइए क्या होगा। बोले सर रघुकुल तिलक थे 1980 में, ठीक है। चौथी बार जो था 1992, तब एम चेना रेड्डी थे। तो क्या हम लोग ऑप्शन ए को लॉक करें? यस सर करेंगे ही, चलो बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मैं क्या कह रहा है कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। देखो चंबल बेसिन है, छप्पन बेसिन है, बनास बेसिन है ऑप्शन में, और लूणी बेसिन है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे लूणी बेसिन जो है यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि लूणी बेसिन किसका भाग है, ये पश्चिमी बेसिन कह लो आप, पश्चिमी मरुस्थल का भाग है मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अब लूणी नदी जो है ना कुल कितने नदियों को समाहित करती है, लूणी नदी देखो कुल ऐसा परफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे सूकड़ी है, बांडी है ना, और भी जैसे सूखी बाडी खारी जो जवाई से मिल गई है ना, जवाई है ना, गुड़िया है, इस प्रकार से गुइया है, इस प्रकार से काफ़ी नदियां हैं, लेकिन ये जो लूणी नदी है ना ये कुल छः जिलों में प्रवाहित होती है, ये आपको परफेक्ट याद रखना है, ठीक है। शुरू होती है अजमेर से और जाती कहाँ है, जालौर में, कच्छ के रण में, गुजरात में जाके कच्छ के रण में मिल जाती है। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। देखो साहब वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है तो किस साइड होती है। बोले सर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था, अभी अभी की ही बात है दोस्तों। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चुरू से किया था, कहाँ से, चुरू जिले से किया था। कौन सा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे आपसे सवाल किया जा रहा है और यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है क्या होगा। देखो सांभर जयपुर सही है दोस्तों, डिडवाना नागौर सही है, पचपदरा बाड़मेर सही है, लूणकर्ण सर बीकानेर सही है। तो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित हैं, है ना, हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, सारे के सारे सुमेलित है। राजस्थान की सबसे बड़ी सांभर जो है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसके बाद जैसे डिडवाना भी खारे पानी की झील है, ठीक है, पचपदरा भी खारे पानी की झील है, लूणकर्ण सर भी खारे पानी की है। लूणकर्ण सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, सबसे अधिक मूंगफली होती है, ठीक है। और अगला सवाल है, उदयपुर जिले में स्थित वे अभ्यारण जो बघेरों के लिए प्रसिद्ध है तथा रूठी रानी का महल भी अवस्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर, देखो साहब बात ऐसी है, उदयपुर जिले में स्थित है, तो केवलादेव उदयपुर में नहीं है क्योंकि भरतपुर में है, ठीक है, और ये भी यहाँ पे नहीं है, कुंभलगढ़ भी। तो जयसमंद जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जयसमंद अभ्यारण्य। जयसमंद अभ्यारण्य की बात करें तो बघेरों के लिए प्रसिद्ध है ये, और इसके साथ साथ हम बात करें तो जैसे कुंभलगढ़ कहाँ पे, राजसमंद में है, केवलदेव भरतपुर में है। फुलवारी की नाल आपके ऊपर मैं दे रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों फुलवारी की नाल कहाँ पे है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। बताइए, थोड़ा सा सुपरफास्ट कर रहे हैं हम लोग, तो शुष्क सागवान के वन दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपके साथ में बात करूं बांसवाड़ा है ना,
आप सिरोही को भी साथ में ले सकते हैं, और साथ साथ में डूंगरपुर है जैसे, है ना, प्रतापगढ़ है, बहुत सारे जो जिले नीचे की ओर जो है। अगला सवाल एक बार कूट को आपको करना है, फिर सही उत्तर देना है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। यस, बहुत बढ़िया। देखो आपको कौन इनमें से, मैंने आपको कई बार बताया कि आपको सबसे पहले कौन सा आ रहा है। सर मुझे छौत का बरवाड़ा आ रहा है सवाई माधोपुर में। चलिए ऑप्शन डी में एक आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, दो जगह पे आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई देबारी, जो देबारी है ना ये कहाँ पे है। तो देबारी बोले सर, देबारी जो है ना ये देबारी है जो ये उदयपुर में है। चलो देबारी उदयपुर में हो जाएगा, तो देबारी उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर देखो दो तो आने चाहिए, कई बार एक से हल ना निकले तो दो आने ही चाहिए, है ना। तो याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है, और ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और रामपुरा, राजपुरा जो दरीबा है ना, राजपुरा दरीबा, कई बार मैंने आपको बताया, राजपुरा राजसमंद, रामपुरा भीलवाड़ा, ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों, याद रखना, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तीजो कुरियो आठवो काल, यह कहावत राजस्थान की किस विपत्ति को सूचित करती है, यानी इन्फॉर्म करती है ना, इंगित करती है, ऐसा हम समझ लो। तीजो कुरियो आठवो काल, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया दोस्तों। अब मैं आपको हर एक जो है ना नहीं बता पा रहा हूँ कि भाई कौन से में कहाँ है, यहाँ पे ऐड नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अकाल से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन फोर है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, बताइए। अब इससे आसान क्या हो सकता है मुझे ये बताओ, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर है, बोले सर रावतभाटा में है। बहुत बढ़िया दोस्तों, रावतभाटा को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी। और अगला सवाल है, राज्य के वे दो कौन से जिले जो राज्य का 75% अभ्रक का उत्पादन करते हैं। देखो साहब, अभ्रक की ईंटें तक निकलती है यहाँ पे, तो भीलवाड़ा है एक तो, ठीक है। और अब उदयपुर ऑप्शन करेंगे या जयपुर, आप ये बताओ। सर उदयपुर को करेंगे, एक साथ यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं आप लोग, अजमेर को भी, ठीक है, अजमेर को भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, अभ्रक का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है, पांच सांस्कृतिक युगों के अवशेष राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो बताइए दोस्तों राइट आंसर जो है ना वो क्या होगा। पांच सांस्कृतिक युगों के अवशेष राजस्थान के किस, तो नोहो से। अब देखो नोहो कहाँ पर है, नोहो बोले सर भरतपुर में है, ठीक है साहब, भरतपुर में, याद रखना। आहाड़ कहाँ पे है सर, आहाड़ जो है ना आपके, देखो आहाड़ से संबंधित अक्ष कीर्ति व्यास है, इन्होंने खोज करी थी, रतन चंद्र अग्रवाल ने खुदाई करवाई थी। आहाड़ जो है ना आपके उदयपुर में स्थित है, आहाड़ कहाँ पे है, उदयपुर में है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है, सीकर में है। गणेश्वर कहाँ पे, सीकर में है। कालीबंगा कहाँ पे, कालीबंगा आपके हैं हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है कालीबंगा, जो कि गग्गर के किनारे है, गणेश्वर जो कि कांतली के किनारे हैं, ये सारी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल है कि देखो कि राजस्थान में कुल स्रोतों से उपलब्ध जल की मात्रा कौन सी है। राजस्थान से कुल स्रोतों की उपलब्धता से जल की मात्रा 1.16% है, यानी ऑप्शन फोर है जो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि राजपूत शासक सामंतों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ दी जाने वाली कुंवारी कन्याओं को क्या कहा जाता था। हालांकि ये पुराना प्रश्न है, इस पर ईंट या फिर पत्थर लगा दिए चुके हैं इस प्रथा पर, है ना, डावरिया, डावरिया या फिर डावड़िया कहलाया जाता था। तो आपको एक बात और भी है ना कि कई बार मैंने आपको ये भी बताया कि जब कोष्ठक हो ना तो आपका वही सही होता है, जब कोष्ठक हो तो वही सही होता है, यहाँ पे कोष्ठक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है, शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मूर्ति कला से संबंधित है। कौन सा, रूप मंडन का संबंध, ठीक है। तो हर एक का संबंध अलग अलग से है, वास्तुकला, चित्रकला, राजप्रसाद, है ना, तो यहाँ पे आपका मूर्ति कला होगा, ऑप्शन बी को आपने करेक्ट करा। और मंडन जो था ना दोस्तों, ये कुंभा का शिल्पी था, है ना, कुंभा का शिल्पी भी था तो कवि भी था, याद रखना, है ना, कुंभा के समय थे। और अगला सवाल है, 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरि भाई किंकर द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से स्थान पर की थी, तो दोस्तों देखो यहाँ पे सन दिया है आपको 1919, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कई बार हर एग्जाम में, लगभग वर्धा में की गई थी, 1919 में की गई थी। अब यहाँ से मैं एक और बात बताऊँ आपको, तो याद रखना है कि अजमेर में स्थानांतरित की गई थी इसको, वो कब की गई थी, बोले सर 1920 में इसको स्थानांतरित करी गई थी। यस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा,
बहुत बढ़िया दोस्तों। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो साहब, माणिकलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत लिखा था या नहीं, है ना। पंडित हीरालाल शास्त्री ने प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः बिल्कुल लिखा था दोस्तों, ये सही बात है। केशव सिंह भारत चेतावनी चौंटिया लिखा था। जयनारायण व्यास दैनिक नवज्योति क्या लिखा था, नहीं सर, माणिकलाल वर्मा ने पंचीड़ा बिल्कुल लिखा था। जयनारायण व्यास ने दैनिक नवज्योति नहीं लिखा था दोस्तों, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे लिखे थे, जैसे पोपा बाई रिपोल इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो और एक और लिखा था आगी बाण है ना, आगी बाण, ये भी लिखा था जयनारायण व्यास ने। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल है, हालांकि दैनिक नवज्योति की बात करें तो इसकी शुरुआत अजमेर से हुई थी, याद रखना दोस्तों। पद्म भूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला और प्रथम व्यक्तित्व जो थी ना, वो कौन थी। बोले सर, जानकी देवी बजाज थी, है ना। ये जमनालाल बजाज की पत्नी, याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहाँ से बिलोंग करते थे, बोले सर नीम का ताना सीकर से बिलोंग करते थे, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल है सर, हाँ जी, नगेंद्र बाला जो है ना, ये कोटा से थे। अगला सवाल है कि जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की। दोस्तों चरखा संघ ये गांधी जी से जुड़े हुए थे। देखो गांधी जी के इनको पांचवे पुत्र भी कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र किन्हें कहा जाता है दोस्तों, तो जमनालाल बजाज को कहा जाता है। इनका पूरा परिवार जो है इस क्रांति में लग गया था दोस्तों, यानी आज़ादी की क्रांति में। चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जयपुर। जयपुर में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना करी थी। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है, ये आपको बताना है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत, कहाँ देखने को मिलता है, आपको बताओ साहब। कितना शानदार सवाल है। और अठे अपने मारवाड़ी जकी बोले, यानी उकट बोले, आ तो अपने अठी जय जको जोधपुर मैंने बोले, जैसे जोधपुर हो गयो, है ना। मैं अठे थोड़े वास्ते लिख दूँ, देखो साहब मैं बोलूँ ही, हमें मारवाड़ी जूँ तो जोधपुर है, जैसे जैसलमेर है नहीं बाड़मेर है। यूँ देखो तो सब और थोड़ी थोड़ी भिन्नता तो आवे ही ला थोड़े वास्ते, है नहीं। आप अटान देखो ला जने ध्यान पड़ी थोने, पर भिन्नता आवे फिर भी इन सम्मिलित रूप जको यानी वो मारवाड़ी ही कहलावे, ठीक है। बाकी अटे और भी आप ऐड कर लो, नहीं जालोर ने ऐड करो सा, है नहीं सर, और सिरोही ने ऐड करो सा। सिरोही तो आप भूल ही गया बिल्कुल, सिरोही भी आप वास्ते अटे हाथ आवे ने, है नहीं मारवाड़ी रे, ठीक है सर। बीकानेर, हाँ बीकानेर भी हाथ है यूँ, चलो सा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, छोखी बात है सर, है नहीं। आप सही आंसर जोधपुर और सीमावर्ती क्षेत्र। पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ दोस्तों बताइए क्या होगा। देखो वेली कृष्ण रुक्मणी रीतो लिखाई, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीथल कहाँ किसे गया है। तो पीथल जो है ना, ये पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है पीथल दोस्तों, याद रखना पीथल, है ना, पीथल इनको कहा गया है पृथ्वीराज राठौड़ को। और राठौड़ जो थे ना, ये किसके, राय सिंह के भाई थे, लूणकर्ण के पुत्र थे, सॉरी कल्याणमल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये होगा, एक और दो, गंगा लेरी भी इन्होंने डिंगल में लिखा था और वेली कृष्ण रुक्मणी री इन्होंने डिंगल में लिखा था, ठीक है, वेली कृष्ण रुक्मणी री। अगला सवाल, गोगा नवमी किसे कहा जाता है। गोगा नवमी यानी कब मनाया जाता है, आपसे ऐसा ही सवाल किया जा रहा है। तो गोगा नवमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है साहब। कहाँ पे मुख्य रूप से, देखो हर घर घर में, यानी हर खे, अब कहते हैं ना खेजड़ी खेजड़ी गोगा, खेजड़ी खेजड़ी गोगा, तो हर खेजड़ी मतलब हर घर में, हर गांव में ये इनकी पूजा की जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, इनका मेला आयोजित होता है। कहाँ पे मेला आयोजित होता है, नोहर में इनका मेला आयोजित होता है, राजस्थान का, जो कि मतलब गोगा जी के नाम से जो मेला आयोजित होता है ना सबसे बड़ा, वो नोहर में ही होता है, ठीक है, याद रखेंगे ना सर, पक्का, यस बहुत बढ़िया। रेगिस्तानी इलाकों विशेषतः शेखावाटी बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत जिसमें प्रेसी अपने प्रदेशी पति को घर बुलाती है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा पिंपली, ऑप्शन सी जो है। देखो कहीं पे मैंने अगर गलती से कुछ अलग लिख दिया है ना, बी सी या डी, जो अगर हो रहा है सी और मैं डी लिख रहा हूँ तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप यकीन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है लॉक हो जाएगा दोस्तों। इंडोनी जो है ना, ये काल बेलियाओं का नृत्य है, ठीक है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सुपना जो है ना, ये लोकगीत, ये भी दोस्तों विरह गीत है, एक
ठीक है, जोरावर भी एक विरह गीत ही है। गोगा जी का जन्म स्थान, 23 का राइट आंसर क्या होगा? गोगा जी का जन्म स्थान दोस्तों बताइए, नंबर 23 का राइट आंसर आप सभी का आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए? गोगा जी का ददरेवा चूरू, है ना, ददरेवा चूरू हो जाएगा, ददरेवा चूरू, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, ददरेवा चूरू में है। और बाकी गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में इनका इनकी समाधि है। ठीक है, अगला सवाल, मंदिर भी है। अगला सवाल और पूछा जा रहा है, निम्न को सम्मिलित करना है आपको, डाडी मांगणियार लंगा मिराची। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करें क्या, संबंधित वाद्य यंत्र और जाति, बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत अच्छा सवाल है, डाढ़ी मांगणियार लंगा मिराची। देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, कैसे बोले सर? हाँ, तो देखो डाढ़ी जो है ना, ये सारंगी और रबाब का यूज़ करते हैं, मांगणियार आपको पता होगा कमायचा खड़ताल और सुरनाई का यूज़ करते हैं, लंगा जो लोग हैं ना ये कमायचा और सारंगी, सिर्फ कमायचा और सारंगी का यूज़ करते हैं। मिराची, मिराची तो सर सारंगी का यूज़ करते हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अगला सवाल है चंद, देखो चंद मलयागिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, गोगा चौहान आदि कौन सी प्रमुख ख्याल है, और ये कथाएं भी है और वास्तव में ये व्यक्तित्व भी हुए थे, है ना, इनका जीवन काल कुछ चमत्कारिक हुआ था, कुछ यादगार हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कुचा मनी ख्याल दोस्तों, क्या होगा? कुचा मनी ख्याल आपका राइट आंसर होगा। कुचा मनी ख्याल की बात करें तो लच्छी राम इसके प्रवर्तक हुए। अगला सवाल है कि निम्न को सम्मिलित करना है, नृत्य है, आयोजन अवसर है दोस्तों बताइए। लूम्बर, देखो लूर को लूम्बर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, जो किसकी है, ग्रासियों की, ग्रासिया जाति की, जो ग्रासिया जाति का नृत्य है याद रखना, जो कि होली के अवसर पर गाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर लूर जो है होली के अवसर पर, तो पहले में दो आ जाएगा, सॉरी लूर गौरी, देखो गौरी जो है ना, देखिए एक बार पुनः देखते हैं वापस, देखो लूर नृत्य की बात करें तो देखो लूर नृत्य जो है दोस्तों ये होली के अवसर पर किया जाता है ग्रासियों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कहाँ पे आ रहा है, दो ऑप्शन थ्री में आ रहा है, तो यहाँ पे यही आपका सही है। बाकी देखो गौरी नृत्य की बात करें तो गौरी नृत्य आपके विवाह, सॉरी मांडलिया की बात करते हैं पहले, मांडलिया नृत्य जो है विवाह के कुछ पूर्व में किया जाता है। ठीक है, और बिंदोरी नृत्य की बात करें तो हाँ ठीक है, बिंदोरी की बात करें तो बारात की विदाई के समय, और गौरी की बात करें तो वर्षा ऋतु हो ही जाएगा क्योंकि ये सावन भादो मास में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन थ्री होगा, ऑप्शन सी होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में सुमेलित करना है दोस्तों, बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको याद कौन सा है सबसे पहले तो वो देखो, अगर एक है तो एक से काम बन जाए, क्या पता अगर दो आए तो फिर दो से तो बनना ही बनना है। ठीक है, तो बताओ देखो राइट आंसर क्या होगा, केला देवी, रानी सती। देखो रानी सती अगर आपको पता है कि भाद्रपद महीने में इनका मेला आयोजित होता है तो सीधी सी बात है यहाँ पे ऑप्शन ए ही है जो सही होगा। ठीक है, कैसे, देखो कि केला देवी की बात करें, केला देवी चैत्र शुक्ल अष्टमी आपका सही आंसर है, रानी सती है जो भाद्रपद कृष्ण अमावस्या हो जाएगा, ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता माघ शुक्ल सप्तमी होगा, और शीतला माता जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, ये बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असंगत क्या है, नाथ संप्रदाय की बात करें माँ मंदिर में सही है ना, माँ मंदिर जोधपुर में सही है, जिसके निर्माण की बात करें मान सिंह के समय इनका निर्माण हुआ था इसका। ठीक है, आईएस देवनाथ जो यहाँ पे मुख्य संत हुए थे, लालदास संप्रदाय नगला भरतपुर में है, सही बात है दोस्तों, रामानुज संप्रदाय गलता जी, इनमें से कोई नहीं, असंगत कोई है ही नहीं दोस्तों।
क्या सही बात है ना, यस, असंगत कोई है ही नहीं है इसमें। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है? देखो, बोर है, बिंदिया है, टिडी भलको है, गलपटियो है, छूप है, कडलाए नथ है, के सही है? नो, नथ आ जाती है कहाँ पे दोस्तों? नथ तो नाक में आती है, तो कडला, कडला पैरों में आता है ना? तो बोर है, टिडी भलको है, फिर से बोर, टिडी भलको ये सिर के हैं आभूषण, बिंदिया भी जैसे ललाट के आभूषण है, नथ है ना नाक का है, छूप दांत का है, गलपटियो गले का है, और कडला हाथ पैरों का है। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही होगा, भले आप आगे चले जाओ, है ना, छूप से बाद में गलपटिया आएगा नहीं, ये गलत है। यहाँ पे भी बोर, बिंदिया, नथ, टिडी भलको, छूप, गलपटिया, कडला, छूप है जो गलपटिया से पहले आएगा नहीं, ये दोनों इस प्रकार से गलत है। ठीक है, अगला सवाल है, राजसमंद जिले का स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है वो है मोलेला गांव। दोस्तों यहाँ की मिट्टी बड़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर टेराकोटा बनाए जाने के लिए मिट्टी प्रसिद्ध है, टेराकोटा यहाँ का पॉपुलर है, याद रखना राजसमंद के मोलेला गांव का। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? मैंने क्या बताया था आपको, निषेधित किस रियासत ने किया था? तो दोस्तों आपने उस दिन पढ़ा था बीकानेर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सवाई जय सिंह होगा, ऑप्शन ए है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने प्रयास किया था, बूंदी ने भी प्रयास किया लेकिन निषेधित कर दिया था बीकानेर ने। बिल्कुल भी, राजस्थान का कौन सा जिला जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है, बताइए दोस्तों, है ना? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नागौर। क्या होगा? नागौर को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या पूछने की बात ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, जयपुर में है। इनमें से किस जिले में हाड़ौती पठार का विस्तार नहीं है? हाड़ौती पठार कोटा में है, बारा में है, बूंदी में भी है, तो एक हमारे झालावाड़ में भी है, है ना, झालावाड़ में भी है, तो सवाई माधोपुर में नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल था आप सभी का। अगला सवाल है, राज्य का आद्र जिला कौन सा है? इनमें से सबसे आद्र जिला कौन सा है? दोस्तों अगर झालावाड़ ऑप्शन में है तो आप झालावाड़ को करना ही होगा, अगर झालावाड़ ऑप्शन में नहीं हो तो बांसवाड़ा ऑप्शन में होगा तो बांसवाड़ा कर लेना है। ठीक है, अगर बांसवाड़ा भी ऑप्शन में नहीं है, झालावाड़ भी नहीं है, तो फिर सिरोही ऑप्शन में होगा, सिरोही को कर लो, अगर सिरोही भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर उदयपुर कर लो, है ना। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर फिलहाल हमारा ऑप्शन बी होगा। दोस्तों राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? एंटीसोल्स देखो पश्चिमी नहीं होगा, पश्चिमी में तो कैसी है, पश्चिमी में कैसी है सभी को पता है ना, तो यहाँ पे पूर्वी को लॉक कर दे क्या हम लोग। एंटीसोल्स दोस्तों पश्चिम में ही पाई जाती है, एंटीसोल्स है जैसे एरिडी सोल्स है, ये इस प्रकार की मिट्टियाँ पश्चिम भाग में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, बताइए साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, इसका उद्गम उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से होता है। ठीक है सर, होता है, अच्छा, और प्रारंभ में वाकल नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है साहब, ओके, तो दोनों को लॉक कर दे क्या, दोनों को लॉक कर देते हैं, ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है, राजस्थान में उपलब्ध जल के अधिकतम संग्रहण संरक्षण और उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने के परिप्रेक्ष्य में राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों ये की गई थी 20 अगस्त 2019 को की गई थी, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर के साथ जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राज्य में वैधानिक स्तर पर कितने वन मंडल है, बताइए? तो 16 वन मंडल है दोस्तों, कितने हैं, 16 वन मंडल है राज्य में वैधानिक स्थल पर। राज्य के सबसे छोटे कृषि जलवायु खंड आद्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित हैं, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है दोस्तों, है ना, बताइए राज्य में सबसे छोटे कृषि जलवायु खंड आद्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले जो है आते हैं इसके अंतर्गत? तो इसमें एक और दो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये चारों जिले आते हैं, कुल कितने, ये चारों जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, कोयला है, गैस खाने हैं और जिला यहाँ पे दे रखा है, जैसे केसर देसर, कपूड़ी, माता सुक्ता नोट। अब मैंने आपको क्या बताया कि आपको पहले वही करना है जो आपको इसका आंसर आ रहा हो, जैसे आपको तनोट का आ रहा है, तनोट जैसलमेर में है,
तो यहाँ पे चार में आपको ये ढूंढना है कि एक कहीं पे आ रहा है, बिल्कुल दोनों में आ रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि कपूरडी जो है ना, कपूरडी बाड़मेर में है, आपको पता है सभी को। तो कपूरडी बाड़मेर यानी बी में चार कहाँ पे आ रहा है, तो बी में चार यहाँ पे आ रहा है, बाकी ऊपर वाले में आ रहा है। तो अपन दो पे अगर कन्फर्म हो ना कि ये कन्फर्म है मेरा तो एकदम से, तो ऐसे में आप देखो यहाँ पे चार आ रहा है, चार यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये तीन वाला गलत है, यहाँ पे एक वाला सही है, यहाँ पे एक वाला सही है। तो यहाँ पे एक सही है लेकिन दो वाला ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। एक बेहतरीन सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, जिला परिषद में सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं या फिर यूं कह लीजिए कि योग्यताएं क्या है? तो दोस्तों यदि व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, सही बात है, कुष्ठ रोगी नहीं हो, सही बात है, दो से अधिक संतान वाला नहीं हो, ये भी ठीक है, जिला परिषद में सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए जो अर्हताएं हैं, ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP है ना, BADP संबंधी निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पे देखो, भारत सरकार द्वारा 1993-94 से राजस्थान के 13 जिलों में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र में रहने वाले दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करना है। ये योजना शत प्रतिशत राज्य प्रवर्तित योजना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा केवल क और ख सही है, यानी एक और दो, ए बी सही है ना, दोनों सही है, तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, DPAP कार्यक्रम वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार के मध्य कितने प्रतिशत वित्तीय सहयोग से चल रहा है? तो याद रखना दोस्तों, 50-50 यानी 50-50 चल रहा है दोनों में, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का ताप विद्युत गृह स्थित है तो वो है अंता, अंता कहाँ पे है, बारा में है दोस्तों, याद रखना, विद्युत निगम लिमिटेड ताप विद्युत गृह स्थित है कहाँ पे, अंता में, अंता बारा में है। खनिज तेल के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का जो जिला महत्वपूर्ण होता जा रहा है वह कौन सा जिला है दोस्तों? तो वो है बाड़मेर जिला, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए को लॉक किया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल है और इसको हम बात करें तो दोस्तों आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में ये उभर रहा है वैसे जिला ये वाला, तो इसके संदर्भ में भी आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। अगला सवाल देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है और बताइए कि इसका प्रशस्तिकार महेश पट्टता यह राणा कुंभा की प्रशस्ति है, क्या ये सत्य बात है, क्या आपको लग रहा है कि ये सत्य है? चलो, प्रशस्ति में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ और उसकी उपाधियों के बारे में बतलाएगा, ये भी सही है। तीसरा है, प्रशस्ति में कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को परास्त करने और विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ के निर्माण का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिए, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? बताइए दोस्तों, आबानेरी और राजौरगढ़, आबानेरी आपके दौसा में है और राजौरगढ़ कहाँ पे, अलवर में है, ठीक है, तो ये आप सबको पता है। वहीं हम बात करें तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार के समय के हैं। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था चित्रांगद मौर्य, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और ये लगभग यूं कह लीजिएगा 7वीं 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, राजा मानसिंह ने किन नगरों की स्थापना की थी? बताइए, बंगाल, बिहार, उपरोक्त दोनों या जयपुर? तो अकबर नगर जो बंगाल में, मानपुर जो बिहार में, उपरोक्त दोनों की स्थापना करी थी राजा मानसिंह ने दोस्तों, अगर आपको याद हो तो, है ना, तो ऑप्शन तीन है जो राइट आंसर होगा। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने और उसके हितों के संरक्षण के लिए किस संगठन की स्थापना करी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्र मंडल,
मित्रमंडल यानी ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है और एक बेहतरीन सवाल है। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन को के लिए महती एक अपनी भूमिका जो है प्रदान करी थी, फिर विजय सिंह पति को इन्होंने ही उसमें बुलाया था, है ना, रामनारायण जैसे चौधरी है विजय सिंह पति के। अगला सवाल है कि नसीराबाद में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की थी? तो यहाँ पे 28 मई 1857 हो जाएगा, 28 मई, सॉरी 28 मई है, हालांकि 10 मई को शुरुआत हो गई थी, कहाँ से, मेरठ से, ऑल इंडिया में, बट राजस्थान में 28 मई को इसकी शुरुआत हुई 1857 में, कहाँ से, नसीराबाद से। अगला सवाल है जोधपुर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं के सत्याग्रह दस्ते का नेतृत्व किया था, वे थी महिमा देवी किंकर, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर था। अगला सवाल है निम्न में से किस एक जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है, गोड़वाणी भाषा बोली जाती है? तो ये जालौर और पाली क्षेत्र में बोली जाती है, जालौर और पाली क्षेत्र में, जहाँ पर लूणी नदी का पानी भी वहाँ पे, मतलब लूणी नदी का अपवाह भी है वहाँ पे। ठीक है, तो अगला सवाल निम्न में से किस एक जिले में गोड़वाणी, जालौर होगा। निम्न में से किसे जोधपुर की ख्यात भी कहा जाता है, जोधपुर की ख्यात किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, बांकी दासरी ख्यात को जोधपुरी ख्यात भी कहा जाता है, दयाल दासरी ख्यात, दयाल दास इंडस्ट्री लिखी थी, नैणसी ख्यात, मोनोत नैणसी ने लिखी थी। जैसलमेर का अर्धशाका किस शासक के समय हुआ था? तो लूणकरण के समय हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। देखो ऐसा सवाल कर दिया जाए कि कब हुआ, तो 1550 में हुआ, ठीक है। अब ऐसा भी तो पूछा जा सकता है किसने किया था यहाँ पे आक्रमण, तो कंधार का था, जिसका नाम था अमीर अली, और यहाँ पे भाटी शासक था लूणकरण, है ना, लूणकरण को विश्वासघात करके जो है मार दिया था। अगला सवाल है कि राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण यानी 30 मार्च 1949 को किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? देखो मैंने आपको क्या बताया था कई बार कि जयपुर जोधपुर जे 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 बी, जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर, ये तो थे ही थे, यानी बड़ी बड़ी रियासतें थी, है ना, तो जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर, एक दो तो है ही है ना, तो यहाँ पे हम राइट आंसर किसको करें, एक को ही कर दें क्या, एक और दो, दोनों, यस बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? बोले सर भाद्रपद शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है। बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पोलियो गीत है दोस्तों, बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए जो गीत गाया जाता है ओलियो गाया जाता है, ऑप्शन तीन यानी सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि राजस्थान में मांड गायकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो मांड गायकी का प्रमुख क्षेत्र जैसलमेर है और बीकानेर भी है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल जो है, गोपजी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो आपको ये बताना है दोस्तों, और राइट आंसर आप सभी से उम्मीद करके बैठे हैं, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, तमाशा, नेक्स्ट सवाल है नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा, तो इसमें कच्ची घोड़ी किया जाता है दोस्तों, है ना, ऑप्शन सी कच्ची घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है, याद रखना, ठीक है। एक आंसर देना है आपको, करौली के यदुवंश की कुल देवी जैसे निकटवर्ती अग्रवाल भी अपनी कुल देवी मानते हैं, वह कौन सी माता है? आंसर कमेंट में देना है दोस्तों इसका, मैं वेट करूंगा आपका, आप सभी इसका जवाब ज़रूर दें। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।